you say why? You're a stranger now. Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Don't stop, a party like a drum, party, ah, ah, party, ah, ah, ah.
Well, hello and welcome back guys. Once again, we are back with another bang. Leke aa chuke aapke liye ek aur interesting tournament, ek aur interesting journey by the hands of Cosmic Esports. Sabse main cheez aapko yahan pe bata deta hu filhal guys, that ye jo tournament chal raha hai, ab filhal iska chal raha hai YouTuber face Independence Cup, aapko dekhne ko milega by the hands of Cosmic Esports, jiska prize pool hai yahan pe massive 50,000 rupees, and iski registration abhi bhi Cosmic Esports ke socials pe chal rahi hai. To guys, jaldi jaiye, fatafat se description open kariye, wahan pe aapko dekhne ko mil jayega hamara handle, wahan pe aap jaake Discord pe fatafat se register कर सकते हो. इवेंचुअली 10 फरवरी के बाद से एक नया टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो रहा है जिसका प्राइस पूल होगा 1,00,000 रुपीज. तो उसके लिए भी यहां पे बिल्कुल आप रेडी रहिए. एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्लाइट पाथ हमारा चाहता है वो देखेगा मिलिट्री बेस से लेके लिपोवका की तरफ, एंड इट इज गोइंग टू डाइव इनटू द एरिया ऑफ लिपोवका. वेल लुक यहां पे जो हमारा कैजुअलिटीज है, देखते हैं किस तरीके से डेवलप होती है. वेल प्रेसबॉक में देखिए टीम जाती हुई दिखेगी, पोचिंग की एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिलेगा. वहीं अगर कहीं ना कहीं बात करें स्कूल या फिर रोजॉक की, वहां पे भी टीम जम करती हुई जरूर से दिखेंगे आपको फिलहाल. वहीं अगर हम बात करें नोवा रिपनोई की, एक अच्छा ड्रॉप लोकेशन जरूर रहने वाला है. बट आई गेस द टीम्स आर नॉट चूजिंग द कंटेनर ड्रॉप्स एट दिस पॉइंट, एंड दे आर जस्ट चूजिंग द होल कंपाउंडेड फाइट्स कमिंग अप. मिल्टा भी एक अच्छा स्लॉट में यहाँ पे हो सकता है, मिल्टा में भी एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है. फार्म एरिया भी कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा. तो देखते हैं गाइस, स्लॉट लिस्ट हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, फ्रॉम नॉट रॉन्ग, तो आप लोग स्लॉट लिस्ट चेकआउट कर सकते हो फटाफट. एंड देखते हैं किस तरीके से पूरा गेम यहाँ पे रहता है, किस तरीके से पूरा गन गेम यहाँ पे देखने को मिल पाता है टीम्स के रिगार्डिंग. लेट्स सी हाउ द फाइट्स एंड हाउ द गन गेम इज गोइंग टू पोस्टुलेट फ्रॉम दिस एंगल. लेट्स सी इज इट पॉसिबल फॉर द टीम्स टू गेट दैट कैजुअलिटी इन द पर्सपेक्टिव, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर थिंग. लुक एट दैट गाइस, हमारा गेम हो चुका है चालू. क्लैशेस यहाँ पे कहने के काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, एंड क्लैशेस के साथ साथ हमारे जो फाइट्स हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन द क्लैशेस आर देयर कैजुअलिटीज आर गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर. तो गाइस देखते हैं किस तरीके से पूरे पॉइंट्स को हमारी टीम यहाँ पे रख पाती है, देखते हैं कैसी बाउंसिंग बैक यहाँ पे रहती है. दैट्स द थिंग विच आई वांटेड टू सी. लुक एट दैट, इनिशियल कुछ क्लैशेस यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सट्रीम रहने वाले हैं. टीम्स बिल्कुल रेडी है अपने अपने एग्रेशन को लेकर, टीम्स बिल्कुल रेडी अपने अपने गन पॉइंट को आप लेके. मैं देखते हैं कौन सी टीम कितने पॉइंट्स को आप गेन कर पाती है. वेल दैट्स गोइंग टू बी द मेजर थिंग विच वी आर गोइंग टू विटनेस एट दिस पॉइंट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट इवेंचुअली हैपेंस टू देम. वेल जोन की अगर हम बात करें, कहने के एक सर्जन शिफ्ट आता हो देखेगा जरूर से कहने के जोन के अंदर. फिलहाल यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से पूरी स्ट्रीम यहाँ पे बन पाती है इनकी, किस तरीके से पूरी फाइट निकल के आ पाती है. वेल दैट्स गोइंग टू बी द मेजर थिंग. लुक एट दैट, यहाँ पे पहला क्लैश कहने के देखने को मिलेगा. एल्फ के प्लेयर्स डाउन होते हुए दिख रहे हैं, चलते हैं फटाफट से उनकी तरफ एक नजर मारी जाए. तो फिलहाल एल्फ के विचर यहाँ पे प्रेजेंट है, नेक्स्ट जरूर से यहाँ पे देखने को मिलेंगे. उनके एक प्लेयर को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, दैट्स गोइंग टू बी ब्लॉक. नेक्स्ट सेशन विचर जरूर से यहाँ पे प्रेजेंट है. ये देखिए विचर को यहाँ पे दिक्कत पड़ते हुए दिखेंगे, अगेन यहाँ पे डाउन किया जा रहा है कहने के. नेक्स्ट जरूर से यहाँ पे देखने को मिलेंगे फिलहाल. बट ये अगेन अगर हम बात करें एक्लेरियन की, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो भी देखने को मिलेंगे जरूर से, उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ाई जा रही है फिलहाल. वंस अगेन इट्स गोना बी अ वेरी टायरिंग वन. सीआर सराज इज हियर राइट नाउ. इफ आई टॉक अबाउट टीम सीआरएक्स, इनके प्लेयर्स भी यहां पे कोशिश जरूर से करेंगे. नेक्सस की बात करी जाए, वो यहां पे रहने वाले हैं. लेट्स सी कैसे कैजुअलिटीज वन होती है. एक और शॉट यहां पे आता हुआ दिखेगा. वंस अगेन अ गुड अमाउंट ऑफ कैजुअलिटी वाज देयर. लुक एट दैट, द टीम वाज अनएबल टू रिटेलिएट, एंड देखते ही देखते टीम एल्फ काफी ज्यादा डेसिमेट होती हुई दिखेगी. एंड आखिरी प्लेयर्स अब जो बचे हैं पूरा फॉल बैक करते हुए दिखेंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट, एट दिस केस, यहां पे अब बचना इनके लिए कहने के काफी ज्यादा वर्थ इट होने वाला है. इनके लिए पॉइंट्स उठाना यहां से कहने के काफी ज्यादा दिक्कतें वाला बढ़ता हुआ दिखेगा. सो लेट्स सी किस तरीके से अपने पॉइंट्स को उठाते हैं, किस तरीके से पूरा कार्नेज अपने फेवर में लेते हैं, बिकॉज टीम नंबर 10, टीम नंबर 13 और शुड आई से सीईएस राइजन की जो स्क्वाड है दिक्कतों में काफी ज्यादा गिर चुकी है. बोल चलते हैं टीम नंबर 2 की तरफ. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट टीम नंबर 2, दैट्स गोना बी टीम बिलियन, जिसमें आपको यहाँ पे सेल्स बिलियन देखने को मिलेंगे. उसी के अलावा यहाँ पे लॉकर है, सेल्स अभी ओपी एंड अफसर जहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, जो कि पूरी की पूरी रोस्टर रेडी है एक अच्छे बैटल के लिए. अब देखना यहाँ पे ये पड़ेगा इस बैटल में रिजल्ट्स किस तरीके यहाँ पे निकलते हैं. दैट्स गोना बी द मेजर थिंग राइट नाउ. लेट्स सी व्हाट इवेंचुअली हैपेंस टू देम. So guys, let's see what eventually happens to them. Let's see how the game is going to be postulated at this point. If I'm not wrong, ABB Naidu is going to be there right now. ST's team ki agar baat kare, Accelerate Boy rahenge. Creators YT yahan pe knock ho chuke hain. Excel ke just yahan pe bache hain. 0 points hain inke paas. King for the win ki baat kare jaye, unke paas bhi 0 points aapko dekhne ko milenge. Dono hi teams se trouble yahan pe zarur dekhne ko mil pa rahi hai, but dekhte hain kya hota hai guys. Ek ek player ka loss thoda tremendous zarur se rahega in dono hi teams ke liye, but of course रिटेलिएशन की अगर हम बात करें, वो एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे कहने के काफी डिमांडिंग रहने वाली है, काफी जरूरी रहने वाली है. तो देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या ये चीजें आप बता पाएंगे, अपने फाइट्स को अपने फेवर में ले पाएंगे. वेल दैट इज समथिंग दीस टीम्स आर टू बी अवेयर अबाउट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू देम. येट अगेन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे कि आप देख पा रहे हैं टीम 14 के प्लेयर्स अभी भी स्पॉट करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं. पूरी कोशिश रहेगी ताकि यहाँ पर टीम एक्सलरेट बॉय थोड़े पॉइंट्स को गेन कर पाए, बट अभी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही इनके लिए. वहीं अगर हम बात करें टीम नंबर 7 की, दैट्स गोना बी टीम 8 बिट गेम एक्सप्रोस. जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
एबीबी नायडू एंड ऑल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट मिलिट्री बेस के पास जो हमारी यहाँ पे जगह है, मिलिट्री बेस से क्रॉस करते हैं आपको पड़ते हैं कहीं ना कहीं ओपन एंडेड फाइट्स देखने को मिलती है। यहाँ पे टीम 11 काफी खतरे में है, दैट्स गोना बी आरसी गेमिंग की स्क्वाड, जैसा कि देख पा रहे हैं आरसी गेमिंग जाते हैं डाउन यहाँ पे पूरा पूरा पिकऑफ होते हुए दिख रहे हैं। हेक्स आरसी गेमिंग के लिए ट्रबल बहुत बढ़ चुका था, दैट इज व्हाई ही हैज बीन पिक्ड ऑफ। चलिए चलते हैं हेक्स के अभी लास्ट मैन स्टैंडिंग की तरफ, तो दैट्स गोना बी अंडरडॉग, काफी पीछे है लेकिन काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें एक्सलेट बॉय की, उनको भी डाउन यहाँ पे किया जा रहा है, दैट्स अ सैड साइड टू वॉच। किंग फॉर द विन है, जस्सी भी रहेंगे यहाँ पे, बट साथ ही साथ टीम नंबर 7 का जो प्रेशर है, 8 बिट गेम एक्सप्लो का प्रेशर काफी बढ़िया रह रहा है यहाँ पे। एक और प्लेयर डाउन हो सकते हैं फिलहाल, रिटेलिएशन की कोशिश जरूर से रहेगी, एकम शॉट्स काफी दिया लेकिन कोई फायदा नहीं, जस्सी को पिक ऑफ किया जाएगा फिलहाल। लास्ट में स्टैंडिंग ऑफ टीम इज गोना बी किंग फॉर द विन, लेट्स सी इज इट पॉसिबल फॉर हिम। देखो कोशिश पूरी थी लेकिन यहाँ पे कहीं के नॉकआउट होते हुए देखेंगे, पूरा फ्लैग था, पूरी कोशिश थी इनका टेम्पो मेंटेन करने की, बट इवेंचुअली ही हैज बीन पिक्ड ऑफ, ही हैज बीन फिनिश्ड ऑफ एंड यार द गेम इज ओवर फॉर द गाय। क्वाइट इंटरेस्टिंग वन गाइस। चलते हैं टीम टोनी की तरफ, टीम पोटैक की बात करें जहाँ के प्लेयर्स यहाँ पे रहेंगे, रैथ हैं यहाँ पे, कैम जीटी रहने वाले हैं, फाइजी गेमिंग बचे हैं यहाँ पे, उसके अलावा टॉक्सिक भी देखने को मिलेंगे। टीम नंबर 2 की बात करें जाए, बिलियन और उनके कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो टीम यहाँ पे रिटेलिएट करते हुए दिखेगी, वेल दैट्स गोना बी द मेजर थिंग व्हिच आई वांटेड टू सी, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। ओके यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं जीवी के कुछ प्लेयर्स यहाँ पे पिकअप जरूर से होते हुए दिखेंगे। वहीं अगर चलते हैं टीम 23 की तरफ, तीन तीन प्लेयर्स इनके डाउन हो चुके हैं यहाँ पे, 60-0 यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेट्स सी क्या यहाँ पे कर पाएंगे, रिटेलिएट कर पाएंगे या फिर नहीं। टीम 17 यहाँ पे कहीं के काफी अच्छे खेलते हुए दिखेंगे, 2CR के प्लेयर्स रिटेलिएशन की कोशिश, 60 यहाँ पे निकलते हुए दिखेंगे, UM245 का मेटा दिखाने की कोशिश करी जा रही है, रिटेलिएट जरूर से यहाँ पे काफी अच्छा डैमेज, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं इंप्रेस नहीं कर पा रहे खुद को, याद देवी गो द पिकअप वॉज देयर, नॉकआउट किया जाएगा इनको फिलहाल। XKR जरूर से यहाँ पे बचे, एक अच्छा महत्वपूर्ण बैकअप रहेगा इनकी टीम की तरफ से, बट अब यहाँ पे कहने के रिवाइवल एक ऐसी चीज है जिस पे फोकस यहाँ पे इनको रहना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए बो ई ए बम की यहाँ पे बचने की कोशिश बहुत ज्यादा यहाँ पे बचने की कोशिश करी जाएगी, बट उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। एंड वही अगर हम बात करें टाइटन टॉरस की, वो जरूर से यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं, सो ऑफकोर्स उनकी पेटी को किया जाएगा लूट, एंड देन इवेंचुअली जो उनके दूसरे प्लेयर हैं जैसे 60 उनको यहाँ पे रिवाइव दिया जाएगा फटाफट से, एंड एक रिवाइवल यहाँ पे देखने को मिलेगा जरूर से। तो देखते हैं किस तरीके से स्टैंड यहाँ पे इनका रह पाता है, किस तरीके से कैजुअलिटीज रहती है, किस तरीके से फाइट्स, किस तरीके से फ्राइंग इनके फेवर में जा पाता है, दैट इज समथिंग आई एम वेरी ईगर टू वॉच, दैट इज समथिंग आई एम वेरी keen to see and that is something I'm very excited to watch at this point, and eventually हमारा जो battle है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक अच्छे मोड पे बहता हुआ दिखेगा, यहाँ पे fights लगातार impressive होती हुई दिखेगी, पर एक साथ 4 points के साथ यहाँ पे ये team आगे move on करती हुई दिखेगी तो battle, so let's see guys how the fights are gonna postulate, well that's the thing which we are worried about, देखते हैं guys किस तरीके से हमारी पूरी fights को आगे का एक रुख देखने को मिलता है। बट उससे पहले एक बार चलते हैं लाइव चैट की तरफ फटाफट से, एक बार मैं लाइव चैट पर फोकस कर लेता हूँ, इफ आई वुड बी एबल टू गेट इट। ओके यहाँ वी हैव द लाइव चैट कमिंग अप, कास्ट सब टीम्स को दिखाएगा, चलो ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाइज आपको देखो सारी टीम्स देखने को मिलेंगी, जब फाइट्स होंगी तभी आपको दिखा पाऊंगा सारी टीम्स, एट दिस मोमेंट आई वोंट बी एबल टू शो यू एवरी टीम्स। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जोन आता हुआ दिखेगा बहुत ही जल्द, तो उसके लिए कहने के इंतजार जरूर से आप रहने वाला है, बट बिफोर दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट, यहाँ पे शायद एक क्लैश हो सकता है टीम नंबर 4 यानी कि टीम मेडिक्स की स्क्वाड शायद यहाँ पे क्लैश ले सकती है। कर्बन है, जेमिन रहेंगे, स्पियर है एंड साथ ही विशाल भाई टी भी प्रेजेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, फिलहाल काफी अमेजिंग फ्लैग्स रहेंगे, काफी अमेजिंग पॉइंट्स यहाँ पे देने की कोशिश रहेगी। वहीं अगर हम चलते हैं किसी और टीम की तरफ, वेल यहाँ पे NXG की स्क्वाड रहने वाली है, वी हैव रेकर्ड, नोवा, जॉर्ज, रैथ, हेलबॉय एंड फिजिक यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इन द एरियाज ऑफ प्रिज्मॉक, जहाँ पे कोई भी टीम इनको कंटेस्ट करने के लिए इस समय प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज समथिंग दे आर ब्लेस्ड विद, बिकॉज कोई भी कंटेस्ट अगर ना करें तो इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली रिटायर, इट्स वेरी इजी टू टेक द फाइट इनटू द पर्सपेक्टिव, दैट्स गोना बी द वेरी अमेजिंग टू वॉच। Uh...
वेल ऑफ कोर्स लेट मी टेल यू गाइस दैट हमारा जो इंडिपेंडेंस कप है इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है. डिस्कॉर्ड पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, जाके चेकआउट करिए फटाफट. एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा दैट हमारा 10th को एक नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है जिसका प्राइस पूल अगर आप गेस करो दैट वुड बी 1 लाख रुपीज. यहाँ पे 100K का प्राइस पूल आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाला है. यानी कि अगर हम बात करें प्राइस पूल की तो कहने की काफी मैसिव रहेगा. बात करें टाइम टीम्स की वो भी काफी मैसिव रहेंगी. 1000 स्लॉट्स यहाँ पे बचे हैं. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे यहाँ पे रहने वाला है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे आपको स्लॉट्स मिलने वाले हैं. तो बिल्कुल रेडी रहिए उस चीज के लिए भी, बिकॉज 50,000 का टूर्नामेंट ऑलरेडी ऑन है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए. एंड 10th फेब को आपको एक और नया टूर्नामेंट देखने को मिलेगा जहां पे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा. बट बिफोर दैट वी हैव अनदर क्लैश कमिंग अप. बिलियन की टीम खतरे में देखने को मिलने वाली है. टीम नंबर 10 वर्सेस टीम नंबर बिलियन इज एक्चुअली गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर. लुक एट दैट, यहां पे इस टीम के लिए काफी ट्रबल बढ़ चुका है. पार करना हो चुके हैं. वायरस की कोशिश रहेगी यहाँ पे रिवाइव देने की. बट सामने से जो नेट्स आ रहे हैं, सामने से जो थ्रोबल्स की इंटेंसिटी है वो कहने के काफी इंप्रूव देखने को मिलेगी. लुक एट दैट, नो द नेट्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिसिमेट अ लॉट. देख सकते हो आप यहाँ पे काफी अच्छा डैमेज दिया जा रहा है. एंड नेट से बचना अब इस समय काफी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा. यहाँ पे अगर वायरस फैट की बात करें, काफी अच्छी कवर है उनके पास. उनके टीममेट को बचाने की कोशिश जरूर से करेंगे. बट आई गेस कहने के जो फ्लाइंग्स है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव यहाँ पे रहने वाले. लुक एट दैट, बिलियन भी यहाँ पे प्रेशर देते हुए दिखेंगे. लॉकर चल हो गए यहाँ पे फिलहाल. गाड़ी इनकी काफी जल्दी यहाँ पे लेट हो चुकी है. लुक एट दैट, ही कुड बस्ट आउट एट एनी पॉइंट. बट यहाँ पे 100 CC के एक और प्लेयर की तरफ से काफी अच्छा कवर जरूर रहेगा. वायरस की तरफ से एक अच्छा नॉकआउट आता हुआ दिख रहा है. बट येट अगेन लेफ्ट से एक अच्छा स्प्रे वंस अगेन हैज बीन पुट डाउन. फर्स्ट एड लगाएंगे फटाफट. प्राइम पूरी कोशिश कर रहे हैं बट येट यहाँ पे क्या हो पाएगा. टीम बिलियन को 1v2 कर पाएंगे या फिर नहीं. गाड़ी फटी, टीम बिलियन अपने एक प्लेयर को लूज करते हुए दिखेगी. वेल लिटरली वेरी वेरी सैड फॉर बिलियन. अकेला प्लेयर यहाँ पे बचा था लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से पिकअप होते हुए दिखेंगे. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट दिस इज गोइंग टू हैपन बट या दिस इज व्हाट हैपेंड. लुक एट दैट, द कैजुअलिटी वाज देयर, द फाइट वाज देयर एंड इवेंचुअली होल कार्नेज वाज देयर राइट नाउ. एंड इवेंचुअली आप जैसा कि देख पा रहे हैं फ्राग यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग था. फाइट यहाँ पे काफी ज्यादा पुट डाउन होती हुई दिखेगी. इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग टू वॉच बट इवेंचुअली यू कैन सी दैट द बैटल इज ओवर. नाउ हमारी टीम नंबर 2 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली लेके जाएगी 4 points. इवेंचुअली जो चौथा प्लेयर इनका फिनिश ऑफ हुआ है वो कहीं ना कहीं ब्लो से फिनिश ऑफ हुआ है, गाड़ी के फटने की वजह से, ना कि किसी प्लेयर के टेकडाउन से. तो बिलियन को आपके लॉबी से बाहर जरूर जाना पड़ा. बट एक अच्छी फाइट देखेगा कहीं ना कहीं. चलते हैं फटाफट टीम 22 की तरफ. यहाँ पर टीम ओके डी के प्लेयर्स की बात करी जाए, टीम नंबर 22 के प्लेयर्स भी वेल प्लेस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं. देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन इनके यहाँ पे बन पाती है. लेट मी चेक द स्टॉटलिस्ट वंस अगेन. टीम 22 इज गोना बी टीम कूल गेमर्स. इनके प्लेयर्स यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट हैं. फ्रैगर को डाउन किया जाएगा बाय द हैंड्स ऑफ टीम केरला. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स गोना बी टीम ब्लाइंड नेवन. बढ़िया फाइट लेती हुई दिखेगी ब्लाइंड नेवन की स्क्वाड. एक अच्छा एलिमिनेशन यहाँ पे निकाल रही है. विकी की बात करी जाए, माइक्रोजी दोनों ही गन्स कहने के काफी रैपिड फायर के लिए जानी जाती है. बट माइक्रोजी विद द लोएस्ट एक्चुअली लेट्स से नंबर ऑफ बुलेट्स इन द गन राइट नाउ दैट्स गोना बी 35. बट वहीं अगर हम बात करें M249 की कॉम्बिनेशन की, वो तो आप जानते ही हो. फिलहाल वहाँ पे 150 बुलेट्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं. बट या लॉबी में कैजुअलिटी काफी भारी हो चुकी है. सामने कूल गेमर्स की स्क्वाड ज्यादा कूल बची नहीं है इस समय. एंड डाकू को भी एलिमिनेट किया जाएगा जस्ट लाइक दैट. यहाँ पे अगर हम बात करें विकी की, करेंगे एक 1v3 अच्छा खासा. वहीं अगर हम बात करें छोटू की फ्रॉम टीम ब्लाइंड 11, 4 amazing frags फॉर हिम. व्हाट अ गन गेम गाइस, व्हाट अ इनिशिएशन बाय द टीम राइट नाउ. इनिशियल पॉइंट से अब तक अगर मैं कहूँ फिलहाल एक अच्छा खासा गेम ये टीम निकालती हुई दिखेगी मुझे. चलते हैं अनदर कैजुअलिटी पे. If I talk about team number 23, well, there we go. They have been back. Start पीछे से पंच होता हुआ दिखेगा. Easily pick off किया जा रहा है. श्रीमान लेजेंड की स्क्वाड यहाँ पे आ चुके हैं. Look at the nine kind of nades these guys are trying to put. Fury Lucifer, nade जरूर डालेंगे लेकिन श्रीमान लेजेंड की स्क्वाड यहाँ पे बिल्कुल उस चीज को decipher नहीं कर पाई. लेकिन ये देखिए एक बेहतरीन जंप शॉट था लेकिन उसको कहीं ना कहीं वील्ड करते हुए दिखेंगे. 60-0 यहाँ पे हील अप करते हुए दिख रहे हैं. हेल्थ इनकी कहीं ना कहीं काफी कम है. हेड भी पॉपअप होता हुआ दिखेगा लेकिन UMP का मेटा दिखाने में नहीं चौकेंगे. ये देखिएगा इस ब्लेज को भी डाउन किया जाएगा. अनदर 1v1 की कोशिश, काफी अच्छा डैमेज था यहाँ पे M4 गॉड का. बट इवेंचुअली टीम यहाँ पे अपर हैंड लेके जाएगी. वेल दैट्स गोना बी टीम श्रीमान लेजेंड विदाउट अ लॉस ऑफ सिंगल प्लेयर. दे हैव गॉट 2 amazing frags इनटू देयर पर्सपेक्टिव. वेल दैट्स अमेजिंग. बट एक और टीम यहाँ की विसिनिटी में यहाँ पे लग करती हुई देखेगी. वेल दैट्स गोना बी टीम 15. लेट्स सी क्या होगा इनकी कैजुअलिटीज किस तरीके से निकलेंगी. वेल आई गेस इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. चलते हैं टीम एनर्जी की तरफ. एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं यहाँ पे. फिजिक्स जरूर से प्रेजेंट रहेंगे. राइट से रोटेट कर रहे हैं. टीम CRX के प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं. लेट्स सी क्या ये अपने पॉइंट सिस्टम को बढ़ा पाएंगे एंड यहाँ से कितने ज्यादा पॉइंट्स गेन कर पाएंगे. वेल दैट्स गोना बी द मेजर थिंग टू वॉच. सो लेट्स सी व्हाट इवेंचुअली हैपेंस. ओके, हील करेंगे फटाफट यहाँ पे. थोड़े बहुत बूस्टर्स का यूज जरूर रहेगा. वहीं शिन की बात करें, शिन भी कोशिश कर रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं. वहीं एनर्जी नोवा जॉर्ड के पास एक अच्छा फ्लैंक है जिसकी वजह से वो एक अच्छा कवर यहाँ पे अपने आपको प्रोवाइड करते हुए कहने के एक अच्छा डेसिमेशन दिखा पा रहे हैं. एक वी फ्लैंक यहाँ पे देखने को मिलेगा. लेफ्ट से काफी प्यारा फ्लैंक जिससे वजह से कहने के राइट से जो हमारे टीम एनर्जी के बाकी के प्लेयर्स हैं वो एक अच्छा खासा रिटेलिशन दे पा रहे हैं. प्रणव ऑलरेडी टाइट आउट है. प्रणव पे स्प्रे देने की कोशिश, काफी लेजर स्प्रे यहाँ पे जाते हुए दिखेंगे. बट यस, कनेक्शन वॉज नॉट देयर. दैट इज समथिंग दिस टीम इज लैकिंग एट दिस मोमेंट.
चलिए हमारी नेक्स्ट जोन श्रिंक होती हुई दिखेगी, तो देखते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पे। ब्रो इस टूर्नामेंट स्टार्टेड, वेल लेट मी टेल यू गाइस दैट यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट जरूर से हो चुका है, बट ये इनविटेशनल एंड वाइल्ड कार्ड शोडाउन चलते हुए दिखेंगे। दिस इज यूट्यूबर फेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, सो रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है। 50,000 का टूर्नामेंट है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स खेल रहे हैं। ग्रैंड फिनाले में आपको कुछ इनवाइटेड टीम्स भी देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से जाइए फटाफट से, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है डिस्कॉर्ड पे, जल्दी जल्दी जाओ फटाफट से वहाँ पे रजिस्टर करो अपने फेवरेट टूर्नामेंट के लिए। और इसी के साथ 1,00,000 का एक और टूर्नामेंट आपके यहाँ पे जरूर से प्रेजेंट किया जा रहा है 10 फरवरी से, उसकी भी शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जल्दी जल्दी जाइए फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन करिए टूर्नामेंट को एंड ज्वाइन करिए डिस्कॉर्ड को, सो दैट इवेंचुअली यू कैन गेन द पेस ऑन टूर्नामेंट। देयर वी गो, आई गेस वी हैव वन M4 गॉड ट्राइंग टू रिटेलिएट फ्यूरी लूसिफर, काफी लेट देखने को मिलेंगे। एक अच्छा मॉली, एक अच्छा नीड यहाँ पे इनके खात्मा कर सकता है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं टीम 15 की तरफ से काफी प्रॉपर नेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, लगातार कोशिश रहेगी रिटेलिएशन की, बट स्टिल दे आर अनेबल टू रिटेलिएट एट दिस पॉइंट। दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सम स्मोक सो दैट इवेंचुअली मे बी कवर रहे, बट एक और अच्छा नेट प्यूरी लूसिफर अगेन नॉक होते हुए देखेंगे। नेट यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी अच्छा प्लेसमेंट लेके आ रहा है, इनके लिए स्मोक डाला है, शायद एक अच्छी कवर जरूर से मिलेगी, बट क्या इस कवर का फायदा हो पाएगा, वेल ये चीज देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मीनवाइल टीम CR इज गेटिंग पंच डाउन रियली वेरी हार्शली बाय द टीम व्हिच इज नोन एज NXG का नाम होगा, या NXG के प्लेयर्स काफी बढ़िया खेलते हुए दिखेंगे। श्रीमान लेजेंड की स्क्वाड कोशिश पूरी कर रही है यहाँ पे, NXG के पास आ चुके हैं कुछ ब्रूटल 4 फिनिशर्स, दैट्स इंटरेस्टिंग। हेक्स अंडरडॉग यहाँ पे अकेले रहने वाले हैं, आखिरी मैन स्टार्टिंग है एंड ये भी AFK है एफ एम मोट्रॉन, तो चलिए गाइस इनका भी बैटल आपको शायद देखने को ना मिल पाए। बट वही अगर हम बात करें टीम ब्लाइंड ने विन की, 5 फिनिशेस नहीं 7 फिनिशेस ये टीम कर चुकी है और सामने आ चुके हैं कॉपनेट के स्क्वाड। वी हैव कॉपनेट ड्रीम एंड साइफन नूब देखने को मिलेंगे जिनको किया गया नॉकआउट, एंड काफी देर से हमारे छोटे भाई पूछ रहे हैं दैट टीम 21 इज बची है कि नहीं। ये देखिए BI के आपको देखने को मिलेंगे ब्लिस पेस नाइपेक्स, BI के BM एंटी एपेक्स आइकॉनिक भी बिल्कुल यहाँ पे रेडी है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड यस गाइस लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, बैक टू बैक बोल रहा हूँ, 50,000 का ये टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन डिस्कॉर्ड पे चल रहा है, लिंक यहाँ पे स्पैम कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो लिंक को, जाओ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करो फटाफट से इस टूर्नामेंट को एंड इवेंचुअली आप लोग अपना रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हो। 1,00,000 रुपीज का टूर्नामेंट भी ऑन द वे है, 10 फरवरी से डिस्कॉर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन ओपन देखने को मिलेगा आपको। उस रजिस्ट्रेशन में सिर्फ मात्र 1,000 स्लॉट्स हैं, बहुत जल्दी फिल होते हैं गाइस, तो बिल्कुल रेडी रहिए इस चीज के लिए, बिकॉज सिर्फ 1,000 स्लॉट्स अगर रिक्वायर्ड है तो आप समझ सकते हो कितनी जल्दी ये स्लॉट्स की फिलिंग होगी, कितनी जल्दी टीम्स यहाँ पे स्टार्ट होंगी एंगेज करना और फाइट्स यहाँ पे कितनी जल्दी इनिशिएट होती हुई दिखेंगी इन टीम्स की। सो बी रेडी, मेक श्योर टू जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन अस ऑन टू दैट प्लेटफॉर्म, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करिए, रजिस्टर करिए, इवेंचुअली आपको काफी अच्छी चीज देखने को मिलेगी। प्यूरी लूसिफर कहीं ना कहीं अपने बैटल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, बार बार ये प्लेयर नॉक हो रहा है एंड यहाँ पे अगेन एक और बार नॉकआउट होते हुए दिखेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं प्यूरी लूसिफर को कहीं ना कहीं काफी बुरा टैग पड़ चुका है, पर टीम नंबर 7 पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर रिटेलिएट करने की, लुक एट दैट उनकी तरफ से एक अच्छा प्रेशर रहेगा, 1v1 लेने की कोशिश, पैन आउट करते हुए दिखेंगे, इट इज अगेन गोना बी वेरी अमेजिंग, लुक एट दैट दे आर ट्राइंग टू पैन हिम आउट, पूरी कोशिश थी यहाँ पे इनकी पैन करने की, बट देन कहीं ना कहीं अब सर्च 10 की तरफ से ब्लैक अगी को भी ब्लैक अगी को पिक ऑफ किया जाएगा। इट वॉज इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है इनकी जर्नी। शेड्यूल गाइस आप लोग को डिस्कॉर्ड पे ही को मिलेगा, 1v1 लिया, क्या बात है गाइस, क्या बात है। टीम 7 इज एब्सोल्युटली सेइंग रैंडम स्पेस यहां पे देते हुए देखेंगे, बट या इवेंचुअली देख सकते हैं फ्यूरी लूसिफर कहीं ना कहीं एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होल्ड कर रहे थे एंड अकेले कहने के उन्होंने श्रीमान लेजेंड की टीम ने एक टीम नंबर 7 को पिकअप करते हुए दिखेंगे, दैट वाज इंटरेस्टिंग। नाउ आई गेस द रिवाइवल शुड बी देयर, बट बिफोर दैट हील करने की कोशिश करेंगे खुद को, बिकॉज कभी भी एक फाइट यहाँ पे आ सकती है, कभी भी एक कैजुअलिटी यहाँ पे हील हो सकती है एंड टीम नंबर 15 एक ऐसी टीम है पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पे, एक और स्मोक डालेंगे सो दैट शायद थोड़ा कवर मिल पाए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रिवाइवल जरूर समझेंगे अपनी टीम के लिए। सो 12 टीम 40 प्लेयर अभी भी यहाँ पे लॉबी के अंदर बची है एंड जरूर से गाइस यहाँ पे याद रखिए, माय नेम इज रेडर, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज गोना बी @ रेडर्स लेस, दैट मींस @ IRAIDER_SLAYS, मेक श्योर टू फॉलो मी एंड अगर कोई क्रिटिसिज्म है जरूर से कॉस्मिक इन स्पोर्ट्स की आप यहाँ पे मैनेजमेंट को कॉन्टेक्ट करिए, उनके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए एंड जितने भी यहाँ पे दिक्कतें हैं जरूर से बताइए फिलहाल। बट एट दिस पॉइंट तीसरी जोन यहाँ पे श्रिंक होती हुई दिखेगी और इस जोन में नई कैजुअलिटीज तो फॉर श्योर यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। बात करें हेक्स अंडरडॉग की, अकेले प्लेयर थे यहाँ पे, AFK देखने को मिलेंगे टीम आरसी गेमिंग की तरफ से एंड अभी भी यहाँ पे आउटर जोन एरियाज में आपको देखने को मिलने वाले हैं, 647 मीटर्स अवे फ्रॉम जोन एंड या देयर वी गो, वन मोर प्लेयर फ्रॉम टीम 1 हैज बीन पिक्ड ऑफ, श्रीमान लेजेंड की पूरी स्क्वाड का होता हुआ दिखेगा खात्मा और टीम 15 के पास आ चुके हैं कुछ अमेजिंग फ्लैग्स, बहुत ही बड़ा खेलती हुई दिखेगी यहाँ पे ये टीम। एक इनिशिएशन यहाँ पे इन्होंने निकाला था, काफी यूटिलिटीज को बर्न किया, काफी पेशेंट रही थी ये टीम और जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव मैटर में आते हो, कॉम्पिटेटिव मैच में आते हो, एक चीज का ध्यान हमेशा देना पड़ता है,
दैट इज पेशेंस। पेशेंस रखो, फ्रैग्स मिलेंगे, पेशेंस रखो, पॉइंट्स मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा हमारे टीम को होता है, बिकॉज उन्होंने वेट किया सही मूवमेंट का जब वो टीम काफी ज्यादा बर्न हो चुकी थी। टीम श्रीमान लेजेंड इतना फाइट ली, इतने प्लेयर्स के बीच में कहीं ना कहीं घिरते हुए दिखी, दैट दे वर अनेबल टू डिफेंड देमसेल्व्स, एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन दिस टीम एक्चुअली पुश्ड इन, एंड एक अच्छा सटीक प्रेशर दिया उन्होंने, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉइंट्स इनके फेवर में जाते हुए दिखेंगे। चलते हैं टीम बिलियन की तरफ। सेल्स बिलियन यहाँ पे आ चुके हैं, वेल बिलियन पिकअप हो चुके हैं, अब सर्च रहेंगे अपनी टीम के आखिरी उम्मीदवार। यहाँ पे अभी ओपी को दिया जाएगा रिवाइवल, वेल दैट्स अ गुड थिंग दैट इनको रिवाइवल मिल सकता है। इनिशियली काफी ज्यादा बढ़िया प्रेशर रहेगा टीम 20 एंड टीम नंबर 18 का, और शोले से टीम नंबर 9 का। दोनों ही टीम्स कोशिश जरूर से कर रही हैं, अब देखते हैं कौन सी टीम कितने पॉइंट्स को आप अपने फेवर में ले पाते हैं, बिकॉज यहाँ से एग्रेशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एम्पलीफाइड देखने को मिलेगा। पॉइंट्स यहाँ पे उठाना थोड़ी दिक्कत वाली चीज है, जरूर से यहाँ पे रहने वाली है, बट स्टिल ऑल दी अदर टीम्स आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट एट दिस मोमेंट टू गेट दोस फ्रैग्स इनटू देयर पर्सपेक्टिव। लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स पे पॉइंट्स बिल्ड करने की, बट लेट्स सी क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से पर्सपेक्टिव इनका बन पाता है। 17 सेकंड्स और बचे हैं हमारे पास नेक्स्ट जोन के आने के लिए। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच अगेन एंड अगेन दैट हाउ द बैटल इज गोना बी गेट। टीम पटाक की बात करी जाए, फैजी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फैजी गेमिंग स्क्वाड है यहाँ पे। वी हैव स्कैम जीटी, रैद एंड टॉक्सिक भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। अगेन काफी अच्छा बैक एंड एरिया इन्होंने होल्ड कर रखा है, बट क्या इस एरिया से इनको पॉइंट्स मिल पाएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कहने के बन के जरूर से आता है, बिकॉज पॉइंट्स निकालना इज नॉट दैट इजी इन दिस काइंड ऑफ लॉबी। बट अगेन येट अगेन पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे रह रही है टीम्स की, दैट पॉइंट्स को निकालें अपने फेवर में लेके जाएं। टीएक्स की बात करी जाए, आइटम ओपी यहाँ पे एक और पिक ऑफ करेंगे, ब्लाइंड लेविन की स्क्वाड ट्रबल में जरूर से रहेगी, और देखते ही देखते 6 finishes हमारी ये टीम भी कर चुकी है। अब इनका नाम तो यार देखो जानना ही पड़ेगा फटाफट से, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ टॉर्नमेंट कर रहे हैं पॉइंट्स निकाल रहे हैं, इट्स इंटरेस्टिंग। सो हमारी टीम 15 रहेगी स्नेहिल ओपी गेमिंग, क्या बात है गाइस, स्नेहिल ओपी गेमिंग की जो टीम यहाँ पे वो ताबड़तोड़ फाइट ले रही है, ताबड़तोड़ कामें जहाँ पे दे रहे हैं। एंड चलते हैं टीम 21 की तरफ, दैट्स गोना बी टीम बीआई आर्थर के स्क्वाड। सो बीआई आर्थर के स्क्वाड की बात करें जाए, ब्लिस प्लेस के पास यहाँ पे अच्छे खासे फ्लैग्स हैं, वहीं स्नाइपेक्स हैं यहाँ पे, बीएम है, आइकॉनिक है। अब देखिए कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं गाइस, लिटरली एक अच्छा स्लैमिन यहाँ पे कहने का आया होगा, और उस स्लैमिन का मुंहतोड़ जवाब दिया बीआई आर्थर के स्क्वाड ने। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 5-5 गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें एक ओपन टॉप यूएस है, 2 डासियाँ हैं, 2 क्लोज टॉप यूएस है, 1 बगी यहाँ पे रहेगी, आस पास शायद और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। लुक दैट गाइस, इस टीम ने लगातार यहाँ पे काफ़ी बढ़िया पॉइंट्स को गेन किया है, पेटियाँ ही पेटियाँ बना के रख दी यहाँ पे, एंड इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट वट दीज काइंड ऑफ टीम्स कैन डू। अभी मैंने कहा नजर ऑफकोर्स टू दिस शॉट, बट हमारी तीसरी जोन का मैं करूंगा इंतजार, देखते हैं तीसरी जोन कैसे रिजल्ट्स यहाँ पे ला पाती है। पटेक के टॉक्सिक अभी भी प्रेजेंट है, पूरी कोशिश यहाँ पे रह रही है इनकी भी, दैट पॉइंट्स और पॉइंट्स यहाँ पे उठाते हुए दिखें। बट व्हाट डू थिंक अबाउट द होल सिचुएशन कमिंग अप, क्या ये पॉइंट्स उठा पाएंगे इस लोकेशन से, बल एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कहने के बन के आता है, दैट पॉइंट्स उठाना काफी क्रुशल है यहाँ से इस पॉइंट से। पटेक टॉक्सिक एंड उनके टीममेट्स अभी भी स्काउट करते हुए दिखेंगे, मौके की तलाश रहेगी। ये देखिए फिलहाल टॉक्सिक, फाइजी और रैथ एंड यहाँ पे जो स्कैम जीटी हैं मौके की तलाश में है, बट चौथी जोन बन चुकी है, सब जोन के अंदर जाना भी क्रूशल रहेगा। टीम नंबर 6 की बात करें जाए, दैट्स गोना बी टीम आरआईपी मीजो, वहाँ पे स्प्रे गॉड हुए हैं और राला कवन है, और इसके अलावा स्वूज देखने को मिलेंगे, साथ ही फ्रीड भी प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन फ्रीड को वाइप आउट कर दिया गया है। इस टीम के पास 1 फ्रैग है, हमेशा कहता हूँ गाइस मैं अपनी हर एक कास्टिंग में, चाहे वो स्काई स्पोर्ट्स हो, चाहे थ्रस्ट हो, चाहे कहीं भी कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, एक गाड़ी के जैसे 4 पहिए होते हैं, वैसे एक स्क्वाड में 4 मेट्स होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं, एंड एक भी प्लेयर अगर पिक ऑफ होता है यू आर गोइंग टू गेट डिसबैलेंस, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू टीम आरआईपी मीजो। एक प्लेयर लूज कर दिया है जरूर से दिक्कतें बढ़ेंगी, या तो आईजेल मारे गए होंगे, या असॉल्टर, या फ्लैंकर, या फिर स्नाइपर, एक भी प्लेयर मिस आउट करोगे टीम से कहने के दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं आपकी टीम के अंदर, एक पूरा पूरा आपका एक हाथ या फिर पैर कट जाता है, वेल वो अगेन वही चीज़ देखने को मिलेगी। बट टीम लाइन नवेन की बात करी जाए, उनकी टीम अभी यहाँ पे थोड़ी शार्प जरूर से देखने को मिल पा रही है, स्मोक्स डालेंगे कवर देने की कोशिश, यहाँ पे ट्राइमर्स जो नॉक आउट है उनको रेप देने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करी जा रही है। सो येट अगेन काफी इंटरेस्टिंग था इनका बैटल, 10 पॉइंट्स यहाँ पे इस टीम के पास आ चुके हैं, लेकिन अभी काफी स्ट्रगल रहेगा इनके लिए, गाड़ी इनकी स्टम्बल्ड है, आई डोंट नो दैट इज ग्लिच और समथिंग एल्स, बट यहाँ पे ऑफकोर्स अगर कुछ ग्लिचेस होते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं इनके लिए। चलते हैं टीम बिलियन की तरफ, सेल्स बिलियन के स्क्वाड आप जैसे कि देख पा रहे हैं पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पे, अब सर्च ट्रेन यहाँ पे जरूर से प्रेजेंट है, सेल्स अभी ओपी देखने को मिलेंगे, लॉकर की तरफ से रिटालिएशन जरूर रहेगा, बट येट अगेन क्या ये रिटालिएशन में कुछ फेवर बन पाएगा, लुक एट दैट नेड इज गोइंग ऑन अगेन, एक अच्छा नेड यहाँ पे डालने की कोशिश करते हुए दिखेंगे, लगातार बैक टू बैक इन थ्रोएबल्स का जो यूज है वो करने की कोशिश टीम जरूर करते हुए दिखेगी, लेकिन अब सर्च कोशिश कर रहे हैं दैट शायद एक कनेक्शन बन पाए नेड्स का, जो कि शायद अभी तक नहीं बन पा रहा है। ऑलराइट मेगा बॉय अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, फैम नॉट ऑन दैट्स दी मेगा बॉय, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं मेगा बॉय के अलावा भी आप बर्लिन, एग्रन एंड डॉक्टर देखने को मिलेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट द टीम नेम, दैट्स गोना बी टीम मेगा बॉय गेमिंग, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ये टीम कोशिश जरूर से कर रही है, डिमांड है तो भाई रिटेलिएशन की वजह से यहाँ पे।
लाइव चैट व्हाट इज सेइंग ओके आरआईपी म्यूजिक के लिए कहने के काफी सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है दैट्स इंटरेस्टिंग सपोर्ट करो यार ऑफ कोर्स अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट आप जरूर से करते हुए दिखेंगे मुझे जो भी है जैसी भी टीम्स हैं वो कहने के अपने लिए सपोर्ट जरूर से करते हुए दिखेंगे फिलहाल सो येट अगेन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच ऑलराइट कातिल की अगर हम बात करें तो फिलहाल मेगा बॉय गेमिंग की जो स्क्वाड है वो कहने के काफी अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रही है खुद को होल्ड कर रही है इस समय जोन के अंदर फिलहाल आगे देखते हैं किस तरीके से प्रेशराइजिंग मूवमेंट यहाँ पर बन पाता है वंस अगेन गाइस आई वुड लाइक टू से सब्सक्राइब जरूर से करिए अगर कास्टिंग पसंद आ रही है एंड चीजें सॉर्टेड दिख रही है तो अबे चमाई चुप रहेगी 2 मिनट उठ के मैं काट दूंगा तेरे को नहीं पकड़े मैं भी वाला आपको जो बैटल यहाँ पे टीम पटाख दे रही है वो भी कहने के काफी अच्छा रिप्रेजेंटेंट रहेगा एंड टीम मेगा बॉय के लिए दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी हैं बिकॉज खुद मेगा बॉय एंड डॉक्टर ऑलरेडी पिकअप हो चुके हैं एग्राउंड बेरलिन जरूर से यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे दोनों ही प्लेयर्स कोशिश तो जरूर से यहाँ पे करेंगे अब इस समय पॉइंट्स को अपने बढ़ाने के लिए एंड दी आईजीएल एंड दी लेट्स से फाइट्स वो पूरी कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए दिखेंगे एग्राउंड जरूर से प्रेजेंट है केरला यहाँ पे देखने को मिलेगी ऊपर एज गोना बी टीम ब्लाइंड 11 की स्क्वाड बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप लोग वहीं अगर बात करें टीम एनएक्सटी की इस समय 5 पॉइंट्स टीम ले चुके हैं ताबड़तोड़ फाइट्स की कोशिश यहाँ पे रहेगी वन वाले की कोशिश बेहतरीन बैक स्टैप विद द यूएफपी 45 जस्ट लाइक दैट टीम एनएक्सटी और शुड आई से टीम नंबर 16 हैज गॉट सम अमेजिंग 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 7 फ्लैग्स क्या बात है गाइस गन गेम हो तो ऐसा वरना खेलते तो सब है भाई और चलिए गाइस आगे क्या होता है देखते हैं आरएपी मेजो की बात करी जाए वो भी आपको देखने को मिलेंगे एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस ऑन द चैट राइट नाउ दिस इज गोना बी कॉस्मिक ई-स्पोर्ट्स इंडिपेंडेंस कप सीजन 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड माय नेम इज रेडर आई एम गोइंग टू बी द कास्टर फॉर द होल जर्नी सो बने रहिए गाइस हम लोग के साथ देखते रहिए समय फिलहाल जो एंजॉयमेंट जो कार्नेज जो फाइट्स यहां पे चल रही है उसको जरूर से आप लोग यहां पे एंजॉय करिए बट एट दिस पॉइंट एवरीथिंग इज गोना बी सो सूदिंग सो काम एंड सो एग्रेसिव दैट वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ मोमेंटम गोइंग ऑन इन द लॉबी 5वीं जोन है गाइस 52 सेकंड्स और हमारे पास बचे हैं यहाँ पे 8 टीम्स बची हैं 23 प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे टीम बीआई अर्थात की स्क्वाड की बात करें जाए काफी देर से कम चौथी से पांचवें जोन में ये लोग यहाँ पे इंतजार करते हुए दिखेंगे फिलहाल काफी दूर से लगातार शॉट्स पे शॉट्स देते हुए दिख रहे हैं बट आई गेस इट्स अ हाई टाइम इन अबाउट 30 सेकंड्स द जोन इज गोना श्रिंक इन तो क्यों ना फटाफट जोन के अंदर पहुंचा जाए बिकॉज सही टाइम पे अगर आप जोन के अंदर नहीं पहुंचोगे एक चीज जरूर से पहुंचेगी दैट इज गोना बी योर खबर अब बाहर निकले जोन से हो लेकिन अब खाएगी खबर हमेशा सो ये चीजें दिक्कत यहाँ पे दे देती है कहने के काफी ज्यादा 8 पॉइंट्स इनके पास हैं अब इंटरेस्टिंग चलते हैं ब्लिस पेस के पास उनके पास 1 फ्लैग है बीएम की बात करें जाए 5 फिनिशर्स इस बंदे ने अकेले यहाँ पे निकाला है आइकॉनिक निकाल के लेके जाएंगे बाकी के 2 फिनिशर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो चलते हैं आइकॉनिक के पेपर एक नजर मार ली जाए फटाफट देखते हैं आइकॉनिक के स्टार्ट यहाँ पे क्या चल रहा है ओके मुझे याद है आइकॉनिक के पास यहाँ पे कुछ ज्यादा फ्लैग्स नहीं है लेकिन स्नाइपिक्स हाँ स्नाइपिक्स के पास 2 फ्रैग्स देखने को मिलेंगे ब्रिज प्लेस के पास 1 फ्रैग्स अब बीएम के पास 5 फ्रैग्स आइकॉनिक के पास 0 फ्रैग्स आई गेस इन्हें अभी इनिशिएट करने की जरूरत है ये कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा पॉइंट्स अगर लास्ट जोन में उठा ले तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा बट वहीं अगर ज्यादा पॉइंट्स की हम बात करें ये देखिए टीम बिलियन लेके जाएगी यहाँ पे मेगा बॉय गेमिंग के स्क्वाड को पूरा पूरा कंप्लीट एंड नाउ लुक एट दैट गाइस मेगा बॉय के स्क्वाड यहाँ पे जाती हुई दिखेगी एंडिंग की तरफ एंड वहीं अगर टीम बिलियन की बात करें जाए एक अच्छा फीचर है जो आपको मिला हुआ है बट ये देखिए टैग काफी ज्यादा पड़ चुका था फिलहाल अफसर जहाँ पे जाएंगे अब रेफ देने के लिए पूरी पूरी कोशिश करते हुए दिखेंगे डैमेज दोनों को ही ज्यादा हुआ था जस्ट इमेजिन गाइस अगर अभी ओपी वहां पे फिनिश अप हो जाते कितना बुरा लगता भाई इस पूरे टीम को सोचिए गाइस बस यहां पे वंस अगेन रिवाइवल यहां पे जाएगा बीड मैग्मा देखने को मिलने वाले हैं वी हैव अनदर फाइट कमिंग अप लेट्स सी व्हाट इवेंचुअली हैपेंस टीम नंबर 18 ट्राइंग टू रिटार्गेट फॉर का ट्रॉय यहां पे देखने को मिलेंगे फॉर का ट्रॉय कोशिश कर रहे हैं देखिए फिलहाल आरआईपी मिजो की स्क्वाड का प्रेशर है सामने यूएफपी 45 का मेटा दिखाते हुए देखेंगे स्प्रेज यहां पे दिए कनेक्शन भी बना ओ लास्ट शॉट इनटू द कंसीडरेशन और देखते ही देखते 3 पॉइंट से टीम अपने नाम करके लेके जाती हुई दिखेगी नेक्स्ट जोन यानी कि 6th जोन आने में अभी बचे हैं 1.5 मिनट यानी 1 मिनट कहने के यहां पे हमारे पास अभी भी शेष देखने को मिलेगा लेकिन एक एक फाइट काफी इंटरेस्टिंग थी काफी बढ़िया जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगी टीम्स के रिगार्डिंग ये पेन लेने गया था है अगेन गाइस इट्स अ वेरी इंप्रेसिव वन लेट्स सी व्हाट हैपेंस तो देखते हैं गाइस अब यहाँ पे होता है जब 6 टीम्स हमारे पास बची होती हैं और अगर बात करें 18 टीम प्लेयर्स की तो वो भी यहाँ पे एक अच्छा कार्नेज सॉर्ट आउट करते जरूर से फिलहाल सो एंड्रू गेमर हेलो एंड वेलकम ऑन द चैट बड़ी व्हाट हैपेंड या अदर देन दैट आई वुड लाइक टू सी टीम ब्लाइंड ने भी यहाँ पे क्या कर पाती है फिलहाल 10 पॉइंट जरूर से है लेकिन जिस तरह का डैमेज यहाँ पे ट्राइमोस को होता है वो देखिएगा बचना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे जरूर हो जा रहा है एंड ये देखिए फिलहाल कहने के रेव के लिए जाते हुए देखेंगे फिलहाल पूरे पूरे अपने प्लेयर को बचाने की कोशिश रहेगी आउट ऑफ जोन से इन जोन ये फाइट यहाँ पे चलते हुए दिख रही है इन जोन ये जरूर से बैठे बट आई डोंट नो हाउ टीम नंबर 16 इज अनेबल टू स्पॉट दैम आउट बिकॉज कितना ज्यादा ओपन यहाँ पे ये है ये एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर से यहाँ पे रहने वाली है बहुत ज्यादा ओपन एंडेड है बट स्टिल यहाँ पे रिटालिएशन नहीं मिल पा रहे इनको रिटालिएट नहीं कर पा रहे हैं फाइट इनके फेवर में नहीं है Another smoke will be there. एक अच्छा कवर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा. Look at the number of smokes भी आप.
दिखाता हूँ गाइस आपको, कहीं ना कहीं पूरी लॉबी के अंदर कहीं ना कहीं पूरा इलाका धुआं ही धुआं कर दिया टीम नंबर 18 ने। एंड वही टीम 21 की तरफ से बात करें, चाहे 8 फ्रैग्स इनके पास है बट स्टिल दे आर रिमेनिंग वेरी शार्पली इन द लॉबी, स्टिल दे आर ट्राइंग टू रिटेलिएट, स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेन मोर एंड मोर पॉइंट गाइस इफ पॉसिबल फॉर देम, दैट्स द मेजर थिंग। शॉर्टली अगेन कारनेस देने की कोशिश, अगेन पिक पॉइंट यहां पे करते हुए दिखेंगे। फिलहाल ये टीम भी प्रेशर में जरूर से देखने को मिलेगी बिकॉज ब्लेस प्लेज एंड आइकॉनिक हैज बीन पिक्ड अप बीएम। 5 फ्रैग्स लेने के बाद ये प्लेयर थोड़ा सा अंडरमाइंड जरूर यहां पे देखने को मिलेगा, रिवाइवल जरूर मिल रहा है लेकिन आउट ऑफ जोन जो टीम 16 है ट्रबल जरूर से यहां पे बनाएगी। NXG की स्क्वाड लगातार प्रेशराइज करते हुए दिखेगी, आई गेस स्पॉटेड वन मोका है बट अनएबल टू एक्चुअली टेक हिम आउट। बीएम गोस डाउन विद अ ब्रूटल ब्लो, यहां पे बचना थोड़ा मुश्किल है टीम के लिए, अब जरूर से बनता हुआ दिखेगा फिलहाल। पर टीम NXG के प्लेयर्स अभी भी काफी अच्छा प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें टीम 18 की, they have a good ground coming up in the lobby, that's going to be interesting to watch, but yeah, क्या होता है गाइस देखना चाहूंगा। ट्रॉय यहां पे है, मैग्मा जरूर से रहेंगे फिलहाल, एक अच्छा नीड इनकी तरफ से भी जाता हुआ दिखेगा। लेट्स सी यहां पे अगर हम ट्रॉय की बात करें, जाए 18 फर्स्ट एड किट के साथ हील बैटल, वाओ दिस इज नॉट सैड रॉक बट ऑफकोर्स इस तरह की स्ट्रेटेजीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप एक हील बैटल के लिए निकल रहे हो। येट अगेन इट्स गोना बी वेरी इंप्रेसिव टू वॉच, हील बैटल के लिए जाते हुए दिखेंगे। मैग्मा की बात करें, स्पॉट किया रैंडम स्पेस एकेएम के देते हुए दिखेंगे फिलहाल, कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं बट या कोशिश जरूर से यहाँ पे इनकी जा रही है, शायद कुछ एक आधा कनेक्शन बन जाए, शायद कुछ एक अच्छे पॉइंट यहाँ पे गेन कर पाए। अनदर नेट कम्स अप, अनदर ब्रूटल डैमेज इज गोना बी देयर राइट नाउ, ग्रीड मैगा सर्वाइव करते हुए दिखेंगे पूरे का पूरा, बट दिक्कतें काफी बढ़ चुकी है इस टीम के लिए एंड दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग दे आर लैकिंग बिहाइंड एट दिस पॉइंट। द मॉलीज आर गोना बी देयर, यूटिलिटीज आर गोना बर्न वेरी वेरी शार्पली, पूरा पूरा अंधा नेट करते हुए दिखेंगे लेकिन शायद ये वाला नेट मे बी हल्का फुल्का कनेक्शन जरूर बना पाए। रात को देखिए यहाँ पे काफी लिट कर दिया गया बट स्टिल इट्स नॉट गोइंग टू रिजल्ट वेरी वेरी गुड फॉर देम, दे आर वे आउट ऑफ द जोन। टीम बी आई की बात करें, बी आई आर्थर की स्क्वाड अभी भी यहाँ पे मात्र 8 फ्रैग्स के साथ देखने को मिलेगी। बीएम को एक जीवन दान जरूर से यहाँ पे मिला है बट दैट्स नॉट गोना बी इनफ बिकॉज अब जोन के अंदर जाना, वेल दैट्स द मेजर थिंग दे हैव टू डील विद, जोन में पहुंचना यहाँ पे कहने के लिए काफी क्रूशियल रहेगा। फॉक्स को स्पॉट करते हुए दिखेंगे, ओके दैट्स गोना बी फिजिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको स्पॉट कर सकते हैं बहुत ही जल्द, यहाँ पे स्पॉट किया भी। एंड ये देखिए लोअर रेंजेस पे देखने को मिलेगा आपको प्लेयर रैंडम स्पेस देने की कोशिश लेकिन स्नाइपिंग गोज डाउन विद द ब्रूटल ब्लो, लेफ्ट और राइट का दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बीएम यहाँ पे निकलते हैं, निकले जरूर थे लेकिन उनको भी पिक ऑफ किया जाएगा। नाउ आइकॉनिक टीम के लास्ट में स्टैंडिंग इज वर्थी हियर, रैंडम स्पेस लेकिन कोई फायदा नहीं फिजिक की तरफ से, लास्ट कनेक्शन स्नेक्स की कहीं ना कहीं यहां पे जर्नी देखने को मिली है। यहां पे एक तरीके से अगर मैं कहूं काफी इंटरेस्टिंग था, एक और नेट देने की कोशिश बट एक फेज ही गोस डाउन विद द ब्रूटल ब्रो, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। टीम बिलियन बहुत ही बढ़िया आउटशाइन कर रही है लॉबी के अंदर गाइस, कहीं ना कहीं क्या बात है। सेल्स बिलियन ओपी इन द चार्ट, बैक स्टेप करने के लिए निकले थे, यहाँ पे आउट ऑफ जोन रहेंगे, एक और बढ़िया कनेक्शन जरूर से बना। अब सर्च टेन इज गोना फाइंड आउट दैट एंगल एंड देयर वी गो, 14 फ्रैग्स ये टीम अपने नाम करते हुए दिखेगी फिलहाल गाइस, 14 अमेजिंग पॉइंट्स फॉर देम। व्हाट अ गन गेम, व्हाट अ एग्रेशन बाय द टीम एट दिस पॉइंट, दे आर 14 अमेजिंग फ्रैग्स इनटू देयर कंसीडरेशन। दिस इज द यूट्यूबर्स फेज ऑफ Cosmic Presence Independence Cup and my name is Raider. I am casting at this point. I am going to host. I am going to analyze the whole situation. But yeah, guys, क्या बात है? क्या battle यहाँ पे रहा है कहीं ना कहीं इनका? Fork Troy की बात करें जाए, अभी भी last first aid frag था उनके पास. ये भी फिनिश ऑफ होता हुआ दिखेगा बहुत ही जल्द एंड विद दैट आई गेस इनकी जर्नी खत्म होती हुई दिखेगी जरूर से। टीम 18 टॉप 3 के अंदर आ चुकी है, हैशटैग 4 यहाँ पे इनको इनके पास फ्लैग्स हैं तो इजीली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके पास देखने को मिलेंगे टोटल ऑफ 14 पॉइंट्स आफ्टर द मैच। NXG की बात करें जाए 12 पॉइंट्स हैं, ओ स्मूथ वन, अब सर्ज नॉक आउट होते हुए दिखेंगे। रेकर अभी भी प्रेजेंट है लेकिन रेकर को डाउन यहाँ पे किया जाएगा, क्या बात है गाइस, लगातार ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। सेल्स के अभी ओपी को टैग आउट करने की कोशिश, लास्ट वन शॉट इज गेटिंग द कनेक्शन एंड या देयर वी गो, द चिकन डिनर हैज बीन लॉस्ट। यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर लेके जाएगी हमारी टीम नंबर 16, दैट्स गोना बी द वन हेल ऑफ अ चिकन डिनर, क्या बात है गाइस, क्या ही इंप्रेसिव बैटल यहाँ पे रहा इनकी तरफ से। इट वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव, इट वॉज वेरी गुड टू वॉच बट या 14 फ्रैग्स एंड यहाँ पे कहने के 15 पॉइंट पोजिशन की, यानी कि 29 पॉइंट फॉर देम। वही अगर हम बात करें टीम सेल्स बिलियन की, उनके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे 26 पॉइंट, और बात करें टीम बीट की यहाँ पे जो कि 4 पॉइंट्स इनके पास प्राइस यहाँ पे देखने को मिले थे बट विद दिस द होल मैच इज ओवर, क्या ही बैटल लेके गई है टीम, क्या ही इंप्रेसिव क्लैश यहाँ पे दिखाया, क्या ही इंप्रेसिव फाइट यहाँ पे देखने को मिली। और इट वॉज वन एंड जॉइंट लेवल मूवमेंट है, स्टार्ट ऑफ द मैच आर गोना बी लाइक दिस, ओके ये क्या ग्लिचेस है गाइस, वाओ BGMI OPO अवार्ड, स्टार्ट ऑफ द मैच भी हम नहीं देख पाएंगे फिलहाल, अपने 1-2-1 दिखाते हुए दिख रहा है। I don't know what is happening, but yeah, with this, our whole match is over. We'll be back very, very soon. Until then, be right back. बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे वापस देखने को मिलने वाले हैं. And of course, guys, make sure to like, share, subscribe eventually, so that we can be back with more and more carnage coming up for you guys. Till then, peace out. Love you all. My name is Raider. I'm signing off, and this is Cosmic Esports Presents Independence Cup Season 1. Don't you
feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Don't stop, a party like a drum, ah, 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 ah.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy tonight. Happy tonight. Happy tonight. Oh,
we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy tonight. Happy tonight. Happy tonight. Well, guys, welcome back once again. We are back with another bang. Leke aa chuke aapke liye ek aur interesting journey, ek aur interesting match of the Independence Cup presented by Cosmic Esports streaming partner, who is going to be Loco. To aap log ke liye Loco pe bhi ye stream chal rahi hai, zarur se enjoy kariye. Jo log hamare Loco pe baithe hain exclusively on Loco, aapko yahan pe dekhne milega kuch badhiya content. To filhal chalte hain match ke andar padapad. Yahan pe pehla play zone hamara yahan pe banne wala hai bahut hi jald. Flight path aa chuka hai, 100 second ke andar hamara pehla play zone banega and pehli zone kahin na kahin shrink hote hue dikhegi 210 seconds ke andar. To again it is going to be very very interesting to watch and the impressive battle is going to start very very soon. Let's see how the casualties are going to born from the location. Flight path की बात करें, well, Impala के ऊपर से कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखेगा from the eastern corner, south western corner में dunk down होता हुआ दिखेगा हमारा flight path, जिसमें रास्ते में काफी सारे hot drops connected हैं. For example, San Martin, Al Azhar, Impala could be a good drop. Lost Inner से एक सबसे बड़ा compound जो PGMI आपको offer करता है वो देखने को मिलेगा. चुमा सर है यहाँ पे कहीं ना कहीं, बलादर मार भी प्रेजेंट देखने को मिलेगा एंड देन अगेन मोंटेनोवो के अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एल्पोज़ो भी थोड़ा बहुत एक्सेसिबल जरूर से है. But yeah, let's see how the fights are going to start. Let's see how the casualties are going to build at this point. And of course, the game has been started as per the Cosmic Harshad guy. And eventually, guys, let me tell you that हमारा जो fight है, वो कहीं ना कहीं initiate जरूर से होती हुई दिखेगी. और map of Miramarik again एक ऐसा map है जहाँ पे कुछ interesting close calls जरूर से आपको देखने को मिल पाते हैं. So let's see ये close call किस तरीके से results को यहाँ पे depict करते हैं, कैसी casualties यहाँ पे bond करते हैं. Well, that's something I'm very keen about. And that is something I'm very keen about to watch. But at this point, team Billion जो हमारी देखने को मिलेगी, Cells Billion, पिछले मैच में काफी क्लोज आ गई थी एक बिना बिना चक्कर रखे, हैशटैग 2 पे रह गए थे, 26 पॉइंट इनके पास पहले मैच के अंदर लेके गए थे. बट इस मैच में कंपटीशन का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता हुआ दिखेगा, बिकॉज़ दो टीम्स अगेन यहां पे आ चुकी है रिटायर करने के लिए. एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, लास्ट मैच में भी कुछ ऐसे एग्जैक्ट सिचुएशन देखने को मिल पाया था दैट ये दोनों टीम्स काफी क्लोज थी. और ये देखिए प्ले जोन हमारा नॉर्दर्न शिफ्ट लेता हुआ दिखेगा, मैक्सिमम टीम्स नॉर्दर्न कॉर्नर पे हैं एंड प्ले जोन ने एक अलग ही शिफ्ट यहां पे ले लिया है. चलते हैं टीम पटाक की तरफ. यहाँ पे फिलहाल इनके रात को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा. रात को एक अच्छा लॉस यहाँ पे इनकी टीम के लिए देखने को मिलेगा. बट इवेंचुअली बात करें टीम सीआर की, इनके पास यहाँ पे एक अच्छा फ्राग आ चुका है. सारा जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक फ्राग इनके पास जरूर से है. वही टीम एसटी की बात करें जाए, वो जो हमारे
एक्सेलेंट बॉय की लाइनअप है, उनके लिए दिक्कतें जरूर बढ़ती हुई दिखेंगी, जैसे कि देख पा रहे हैं एक्सेलेंट बॉय एंड जस्सी जरूर से प्रेजेंट रहेंगे। किंग फॉर्डविन एंड क्रेटोस वाइटी ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं फिलहाल, दो यूट्यूबर्स ऑलरेडी पिकअप होते हुए दिखेंगे, बाकी के जो वो बंदे हैं थोड़ा बैकफुट पर जाते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रेटोस वाइटी पूरा पूरा फॉल बैक करते हुए दिखेंगे, ऑलरेडी गोइंग आउट टू द बैकड्रॉप एरियाज, इवेंचुअली जानते हैं रिस्क काफी ज्यादा है, अगर यहाँ पे रुके तो शायद इनका बचना आप इम्पॉसिबल हो सकता है, दैट इज व्हाई दे आर जस्ट ट्राइंग टू ले लो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी सेफ एट दिस पॉइंट, एंड दैट इज समथिंग आई एम वेरी कीन अबाउट, दैट इज समथिंग आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट टू वॉच। बट इवेंचुअली अगर हम बात करें सीआर के प्रणव वाइटी की, उनके लिए भी ट्रबल बढ़ता हुआ दिखेगा, येट अगेन डैमेज करने के काफी किया जा रहा है, उनको भी पिकऑफ यहाँ पे कर लिया गया है, तो काफी कैजुअलिटीज रहेंगी यहाँ पे, एंड प्रणव आईटी को इस समय फिलहाल पिकअप मिलने का पूरा कोशिश रहेगा। निकी जीटी की बात करें जाए, लास्ट में स्टैंडिंग रहेंगे फ्रॉम टीम पटेक, बट इज इट पॉसिबल फॉर देम टू डू दैट अमेजिंग स्टफ, क्या बैकअप यहाँ पे मिल पाएगा, क्या ये कैजुअलिटीज गेन कर पाएंगे, बट दैट वुड बी द मेजर कंसर्न फॉर मी एट दिस पॉइंट। टीम एल्फ अराइजन इज ऑल्सो गेटिंग वर्कड ऑफ बहुत ही बुरी तरीके से, सीईएस अराइजन की जो स्क्वाड है उनको वाइप आउट यहाँ पे किया जाएगा, और अब जो प्लेयर्स बचे हैं इनमें देखते हैं किस तरह की यहाँ पे जो तीव्रता है, इनमें देखते हैं गेम प्ले में इनकी किस तरह की तीव्रता देखने को मिल पाती है, बिकॉज पॉइंट्स निकालना इज वेरी डिफरेंट, एंड यहाँ पे पोजिशन पॉइंट्स यहाँ पे सिक्योर करना या फिर लेट्स से सर्वाइव करना लॉबी में, इट्स अगेन गोना बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर दीज टीम्स, जिसमें कहीं ना कहीं ये टीम लूज कर रही है अपने ग्राउंड्स को, वेल दैट्स गोना बी अ मेजर थिंग। सीआर की तरफ से देखने को मिलेगा पटाक के एक और प्लेयर को डाउन किया जा रहा है, वेल दैट्स अ ग्रेट कैजुअलिटी फॉर देम, एंड अकेले जो प्लेयर बचे हैं निकी जीटी पूरा फॉल बैक करेंगे, ऑफ कोर्स आई गेस दैट्स द ओनली सिचुएशन ही इज लेफ्ट विद। वहीं अगर हम बात करें 52 सेकंड्स के अंदर हमारी नेक्स्ट जोन श्रिंक होती हुई दिखेगी आपको, जो कि रहेगी पहली जोन टीम नेट की बात करी जाए, जेमिन यहाँ पे हैं, विशाल वाइटी रहेंगे, वहीं स्पीयर एंड डूम सीजे के प्लेयर्स भी जरूर से यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स टीम एनएक्सजी की तरफ से जो पिछला बिना बना सेकंड यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें उनके पास 29 अमेजिंग पॉइंट्स एक ही मैच के अंदर यहाँ पे गेन करते हुए दिखी वो टीम, वो काफी अमेजिंग एक जर्नी थी उस टीम के लिए, काफी बढ़िया एक फीट यहाँ पे देखने को मिलेगी उस टीम के लिए, बट इवेंचुअली अब इस बैटल में अगर टिके रहना है तो कहीं ना कहीं जमे रहना पड़ेगा आपको, और भी ज्यादा पॉइंट्स गेन करते रहना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बैटल यहाँ पे जीत लिया और पूरे पूरे आप विक्ट्री की तरफ यहाँ पे मूव ऑन करते हुए दिखोगे, बिकॉज जितने ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे गेन करो यूट्यूबर फेज है, इट वुड बी गुड फॉर यू। 50,000 रुपीज का प्राइस पूरे एक स्टेक में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, आई डोंट नो व्हाट की कौन से स्टेज में क्वालिफाई होगी टीम्स, बट या जो भी टीम्स यहाँ पे ग्राइंड करेंगी अपना बेस्ट देंगी, जो भी टीम्स अपने लिए पोजीशन पॉइंट्स यहाँ पे और ज्यादा गेन करती हुई दिखेंगी, उन टीम्स के लिए कहने के लिए काफी इंटरेस्टिंग एक चीज यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, दैट दे आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन द टूर्नामेंट राइट नाउ, दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। तो नेट की प्लेयर्स की बात करें जाए पूरा फॉल बैक करेंगे, नॉर्दर्न कॉर्नर की जोन है वहाँ पे टीम्स को पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर से यहाँ पे रहने वाला है। टीम ब्लाइंड नेविन की बात करें जाए पिछले मैच में ये टीम भी काफी सर्वाइव करी थी और काफी बैटल को अपने फेवर में लिया था उन्होंने, दैट्स गोना बी केरला ट्राइमॉस, दैट्स गोना बी केरला एकेएम, नाइस गाय एंड छोटू देखने को मिलेंगे फ्रॉम टीम ब्लाइंड नेविन। At this point, the lineup is here right now. First ever play zone is already getting shunned. 2200 meter zone के बाहर ये टीम देखने को मिलेगी, एक बड़ा डिस्टेंस, एक लंबा डिस्टेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है, जिसको कवर करना इस टीम के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल जरूर से रहेगा, बट या कवर तो करना है गाइस, पॉसिबली यहाँ पे कोशिश करनी ही करनी है। सो क्या ये कोशिश है रिजल्ट इनको ला के दे पाएंगी, क्या ये कैजुअलिटीज इनके फेवर में जा पाएंगी, दैट्स गोना बी द ओनली मेजर थिंग विच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। सो लेट्स सी क्या होता है गाइस। ओके, अ क्लैश इज देयर, आई गेस वी हैव वन कैजुअलिटी राइजिंग अप इन द लॉबी, देखते हैं कहाँ पे है वो। फिलहाल ये रहेगा इस टीम 15 जिन्होंने पिछले मैच में ताबड़तोड़ फायर यहाँ पे लिया था, काफी पॉइंट्स यहाँ पे गेन कर रहे थे, उनके प्लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दैट्स स्नेहिल ओपी गेमिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी लाइनअप देखने को मिल रही है। एंड टीम एनएक्सजी पिछले मैच में एक बढ़िया चिकन जरूर से लिया, लेकिन इस मैच में दिक्कतें बढ़ रही हैं, नोवा जॉर्ड है, रेथ हेलबॉय बैक एंड में देखने को मिलेंगे, लेकिन नोवा जॉर्ड पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर रिटालिएशन की, एंड शायद ये चीज रिटालिएट करने लायक तो नहीं बचेगी यहाँ पे, बिकॉज जो प्रेशर है, बिकॉज जो कार्नेज कहीं ना कहीं इनके रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है, इट इज येट अगेन अ वेरी इंप्रेसिव वन, काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा यहाँ से जर्नी, बट देखते हैं क्या रहेगा यहाँ पे। पोजिशनिंग रेकर है, साथ ही रहेंगे नोवा जॉर्ड, हेलबॉय एंड फिजिक अगेन, ओ रेकर हैज बीन पैंड गाइस, ये एक कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात जरूर से रहेगी इस टीम के लिए। अब देखिए पैन आउट कर दिया गया है, सो अब यहाँ पे टीम जो हमारी 16 है एनएक्सजी के प्लेयर्स फॉल बैक करते हुए दिखेंगे, चलिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज है गाइस, यहाँ पे फॉल बैक कर ले अपने बैकअप फैसिलिटी में जाए, जहाँ पे शायद इनकी टीम इनको बैकअप देने के लिए प्रेजेंट रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा इनके लिए, बिकॉज अगर वहीं रुक के फाइट लेने की कोशिश करी आई डोंट थिंक सर्वाइवल यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज इट्स पॉइंट से जो पॉइंट्स गेन कर रहे हैं उसमें दिक्कतें जरूर से आप इनके लिए बढ़ती हुई दिखेंगे, एंड दैट इज वाई दिस टीम इज जस्ट ट्राइंग टू फॉल बैक, इज ट्राइंग टू बी एट द बैक एंड एरियाज ऑफ द जोन, एंड दैट इज समथिंग दे आर वेरी कीन ऑन। बढ़िया चीज़ें यहाँ पे जरूर से देखने को मिलेगी, एंड जोन के अंदर एक बार अगर पहुंच जाते हैं अच्छी कैजुअलिटीज यहाँ पे जरूर से बॉर्न अप होते हुए दिखेंगे, राइज अप होते हुए दिखेंगे, येट अगेन इट्स गोना बी वेरी इंप्रेसिव टू वॉच, येट अगेन इट इज गोना बी वेरी टायरिंग टू वॉच, बट जो टीम्स अपने बैटल को अपने फेवर में ले पा रही हैं उनमें से कुछ टीम्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, दैट वुड बी टीम एनएक्सजी, दैट वुड बी टीम सेल्स बिलियन, बिकॉज पिछले मैच में ताबड़तोड़ फायर के साथ साथ बीआई आर्थर की टीम ने भी काफी अच्छा क्रेडिट यहाँ पे दिया था। एंड ये देखिए नेट की तरफ से एक बढ़िया घमासान नेट यहाँ पे दिया जा रहा है, इंप्रेसिव वन,
आई गेस दैट्स गोना बी स्पीयर, जिनको नॉकआउट यहाँ पे कर दिया गया है। फिलहाल स्पीयर हैज बीन नॉकड आउट। ओ आई गेस ये किसी ग्लिच में फंसे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, लेट्स मी टेक इट चेक इट आउट। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज नोबडी हु कैन जस्ट लेट्स से गेट हिम अप डूड। इनका बचना इम्पॉसिबल है यहाँ पे गाइज, ऑब्वियसली जिस जगह पे जाके फंसे यहाँ पे ना रिवाइवल मिल पाएगा ना बाकी कुछ चीज़ यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी, ना गाइज अपनी लूट को थोड़ा बहुत स्कैटर करते हुए दिखेंगे। मे बी इनकी लूट अगर यहाँ पे आउटर एरिया में गिर जाएगी तो शायद इनको सामान मिलता हुआ जरूर से दिखेगा फिलहाल। एंड स्पीयर का बचना इस समय इम्पॉसिबल है, आई डोंट नो हाउ ही फेल डाउन इन दिस लॉबी इन दिस एरिया, बट यहाँ पे इनका बचना इज अगेंस्ट द विल ऑफ द गॉड, दैट इज व्हाई ही इज गोइंग टू गो डाउन। टीम बात करें अगर यहाँ पे कातिल की, उनके लिए ट्रबल बढ़ता हुआ दिखेगा। नोवा जॉन हैज बीन पिक्ड अप, ओह मैन लुक एट दैट, उनके लिए ट्रबल यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। रात हेल बॉय आ चुके हैं, टैग आउट देते हुए दिखेंगे फिलहाल, हील भी कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। एंड टीम मेगा बॉय गेमिंग जो है वो पूरी कोशिश कर रही है इस समय बैकफुट पे ले जाने की इस टीम को, बट यहाँ पे वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अनदर वन वी आर ट्राइंग टू बी देयर, हाई ग्राउंड कुड बी पिक्ड ऑफ एंड यादा छोड़ हैपन, लास्ट हेडशॉट गेट कनेक्टेड एंड यहाँ पे इजीली एक और प्लेयर को डाउन किया जाएगा। फिलहाल दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं, टीम मेगा बॉय गेमिंग की स्क्वाड डेसिमेट होती हुई दिखेगी। अगेन एक और घुसेंगे यहाँ पे एंड मेगा बॉय को भी पिक ऑफ किया जाएगा। आई डोंट नो व्हाट टीम मेगा बॉय इज ट्राइंग टू डू, बट या दे आर गोइंग टू गो डाउन फॉर श्योर। यहाँ पे एक और प्लेयर को बैकअप दिया लेकिन देखते देखते पूरी पूरी टीम वाइप आउट। एंड फिजिक के पास दो फिनिशर्स यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक और टीम का प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। लुक एट दैट, टीम 16 के बाद यहाँ पे टीम एनएक्सजी के पास एक और टीम आ चुकी है। ताबड़तोड़ बैक एंड से यहाँ पे देखिए बैटल चलता हुआ दिखेगा, लगातार हर एक टीम कोशिश कर रही है पॉइंट से पॉइंट्स यहाँ पे गेन करने का, और जिसमें कहीं ना कहीं काफी अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन इस टीम का यहाँ पे रहने वाला है। बट एनएक्सजी के नोवा जॉर्ड का बचना इस समय काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, हालांकि रिवाइवल काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा। टूसीआर के प्लेयर देखने को मिलेंगे, मौली आ चुका है, फिजिक का बचना इम्पॉसिबल एंड या ही इज गोइंग टू गो डाउन, लेट्स सी एंड यस दैट्स व्हाट हैपेंड। यहाँ पे टूसीआर अभी की तरफ से एक ब्रूटल मौली करेगा इनको खत्म। पिछले मैच में 29 पॉइंट इनके पास थे, इस मैच में मात्र 4 पॉइंट ही लेके ये टीम यहाँ पे होगी खत्म। फिलहाल दैट मीन्स 33 points for the teams, well that's great I guess. दो matches में 33 points निकालना, it's let's say very average. जो भी टीम अगर मैं बात करूँ सेल्स बिलियन की, अगर वो दोबारा कंसिस्टेंट रही तो इजिली कहीं ना कहीं 50 का आंकड़ा या फिर चले 40 का आंकड़ा तो इजिली पार कर ही सकते हैं, बिकॉज पॉइंट सिस्टम में काफी अच्छी बढ़ोतरी बना के रखी है उस टीम ने। अगेन इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। सेकेंड जोन आ चुकी है गाइस, जो कि अगेन श्रिंक होती हुई दिखेगी। चलिए बात कर लीजिए सेकेंड जोन की, फिलहाल 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये जोन भी श्रिंक होती हुई दिखेगी। येट अगेन इट्स गोना बी वेरी इंप्रेसिव टू वॉच, येट अगेन इट्स गोना बी वेरी वेरी अमेजिंग टू सी दैट हाउ दीज जोन्स आर गोइंग टू रिटेलिएट फ्रॉम दिस पॉइंट। वेल आई गेस कुछ नए अर्ली क्लैशेस आपको जरूर देखने को मिल पा रहे हैं, दैट्स गोना बी टीम एक्सेलरेटेड बॉय। इसमें अकेले रहेंगे यहां पे एक्सेलरेटेड बॉय, लुक एट द रिटेलिएशन कमिंग अप, काफी अच्छा स्पेस यहां पे, पिक आउट करेंगे एक और प्लेयर पे, पूरा फिनिश ऑफ करने की कोशिश। गन जाएगी रीरोड पे, पूरा फिनिश ऑफ करते हुए देखेंगे, उनको बख्शने का मौका ही नहीं दिया जाएगा यहां पर फिलहाल। बट येट अगेन फर्स्ट हिट किट यहाँ पे लगाते हुए देखेंगे, फटाफट से पूरी कोशिश खुद यहाँ पे हील करेंगे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 1v3 अमेजिंग करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से करते हुए दिखेंगे, ये टेकिंग इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट काइंड ऑफ अमेजिंग स्टफ। यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी इनकी तरफ से, बैक एंड से स्पेस, फ्रंट एंड से स्पेस, मल्टीपल डैमेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। नेट को कर लिया है, पीछे से जो प्लेयर प्रेशर आते हुए दिखेंगे उनके पास स्पेस यहाँ पे देने की कोशिश दिखेंगे, अच्छा जंप शॉट। एंड यहाँ पे UMP 45 का मेटा अगेन आपको देखने को मिलेगा, वंस अगेन एक और प्लेयर यहाँ पे डाउन होते हुए दिख रहे हैं। क्या बात है गाइस, बैटल पे बैटल, फाइट पे फाइट, चोट पे चोट दिए जा रही है। तब जो जो टीम हमारे पास बची है उनका नाम आपको बता देता हूँ, जो जो टीम फिनिश ऑफ हो जाती है टू बी एग्जैक्ट, दैट्स गोना बी टीम एनएक्सजी, टीम एक्सेलरेटेड बॉय, टीम होराइजन एल्फ, CESL जो भी आप उसको बोल सके। कातिल के प्लेयर्स यानी कि मेगा बॉय गेमिंग भी पिक ऑफ हो चुके हैं। वही टीम नंबर 6 आप पूछ रहे हैं, तो टीम नंबर 6 तो बड़ी लॉबी में प्रेजेंट ही नहीं है, दे आर नॉट हेयर इन द लॉबी एंड दे हैव बीन लेट्स से एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लॉबी, बचा ही नहीं है लॉबी में। टीम 2CR की बात करें जाए यहाँ पे फिलहाल, उनकी तरफ से देखिए एक और बढ़िया स्प्रे, एंड टीम NT के लिए यहाँ पे दिक्कतें बड़ी बढ़ाती हुई दिखेंगी। टीम नंबर 12 ऑलरेडी ऑन द बैक फॉर ट्रेनियास ट्राइंग टू रिटेलिएट, यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं SPOP देखने को मिलेंगे, आखिरी मेंबर अपनी टीम के नहीं बच पाए, एक भी शॉट कनेक्ट नहीं यहाँ पे नहीं कर पाए, बहुत ही गलत एक रोटेशन यहाँ पे काटने की कोशिश उन्होंने करी, काफी ऑफ गार्ड पकड़े गए। उसी के साथ साथ देखते देखते पूरा पूरा फिनिश ऑफ इनको यहाँ पे कर दिया जाएगा, पूरा टोच एंड भारी एंड पूरा पूरा फिनिश ऑफ यहाँ पे इनको करते हुए दिखेंगे। दैट्स इट फॉर द टीम, दैट्स इट फॉर द बैटल, दैट्स इट फॉर द कैजुअलिटीज व्हिच आर गोना बी देयर। लुक एट दैट अगेन, काफी इंटरेस्टिंग थी जर्नी, बट यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया कहीं ना कहीं इनका सर्वाइवल, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड था इस टॉपिक के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं काफी अमेजिंग था टू डील, बट यस दे हैव बीन पिक्ड ऑफ। UCR अभी अगेन ऑन द बैकड्रॉप एरियाज, काफी अच्छा यहाँ पे इन्होंने होल्ड किया, काफी अच्छे तरीके से खुद को स्टेबलाइज करते हुए देखेंगे। 4 फ्लैग्स इनकी टीम के पास आ चुके हैं, एक भी प्लेयर का लॉस नहीं है येट अगेन, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो ये जो लॉसेज हैं उसको कवर अप करने की कोशिश यहाँ पे टीम जरूर से करती हुई दिखेगी फिलहाल। So let's see what eventually happens to them. Let's see how the battle is going to form from this location, because ab points per points deal karna thoda difficult to zarur se rahega guys, but yes, all they have to do is do
करना था ही भाई, देखिए कहीं ना कहीं पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रेशर है इनके ऊपर, पूरी दिक्कतें पड़ रही हैं इस टीम के लिए, बट यस जितना हो सके पॉइंट्स को आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जितना हो सके पॉइंट्स को आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है गाइस, लेट्स सी हाउ द पॉइंट सिस्टम इज गोइंग टू राइज फ्रॉम द लोकेशन, और शुड आई से हाउ द पॉइंट सिस्टम इज गोइंग टू गो फ्रॉम द लोकेशन, वेल दैट्स गोना बी द मेजर कंसर्न आई गेस। क्यूसीआर अभी बैकड्रॉप एरियाज में है, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और शुड ऐसे आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। चलते हैं अभी यहाँ पे टीम नंबर 24 की तरफ, टीम कॉस्मिक के प्लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दैट्स गोना बी हर्षित, यहाँ पे रेड डेड भी प्रेजेंट है, पूरी कोशिश करते हुए दिखेंगे, देखते हैं क्या पॉइंट्स यहाँ पे उठा पाएगी टीम। सामने टीम सीआरएक्स के प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं, फ्रंट एंड पे रोटेशन काटने की कोशिश करी जा रही है, 3 से 4 प्लेयर्स आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश हर्षित करते हुए दिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे फुल ऑन फुल फ्लेज डैमेज देने की कोशिश यहाँ पे टीम कर सकती है, माइट बी की टीम 10 अपनी गाड़ियों से उधर के इनको यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से अटैक कर सकती है, बट या एट दिस पॉइंट कॉस्मिक हर्षित रहेंगे काफी ज्यादा सेफ, खुद को बचाते हुए लेफ्ट साइड से रोटेट करते हुए देखेंगे, बेयरली सर्वाइव कर रहे हैं इस पूरे पूरे डैमेज वाली जर्नी में, बट यस अभी इनके पास ज्यादा यूटिलिटीज नहीं है। 9 बैंडेट्स, फर्स्ट एक फर्स्ट एड किट और कहीं ना कहीं इनके पास एक एनर्जी ड्रिंक भी देखने को मिलने वाली है। येट अगेन इट्स गोना बी अ वेरी कॉन्फिडेंट वन, येट अगेन इट्स गोना बी वेरी अमेजिंग वन, बट या हर्षित इज इन द जोन, इट्स गोना बी इंप्रेसिव दैट हाउ द टैकल इज गोना बी देयर। फर्स्ट एड किट यहां पे लगाते हुए देखेंगे, फटाफट से खुद को हील करेंगे, डैमेज काफी भारी है, सो दैट इज व्हाई फटाफट खुद को हील किया एंड नाउ गाड़ी पकड़ेंगे, जोन के अंदर पहुंचेंगे फटाफट, बिकॉज जोन जो है वो अपना डैमेज बिल्कुल कम नहीं करेगी, एंड एक ही ऐसी चीज है जो यहाँ पे कहने के आपको काफी ज्यादा अटैक कर सकती है आउट ऑफ जोन, वेल दैट्स गोना बी द ब्लू जोन, जो कि यहाँ पे देखिए लगातार इस टीम को अटैक करती हुई दिखेगी, लेकिन तीसरी जोन मात्र 1 मिनट और 50 सेकंड के अंदर आती हुई दिखेगी, बहुत ही कम टाइम, बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लंबा टैग, वेल दीज आर सम थिंग्स यू हैव टू बी प्रीटी अवेयर अबाउट, बट वंस अगेन गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल हमारा जो टूर्नामेंट है वो आपको रजिस्टर्ड अभी भी देखने को मिलेगा एंड रजिस्ट्रेशन इसका भी ओपन है, जाके चेकआउट करो फटाफट से, रजिस्टर करो एंड ज्वाइन करो फटाफट, बट यार लेट्स सी व्हाट हैपेंस इवेंचुअली। बात करें अगर मैं आपको फिलहाल टीम बड़ी होगी उनके प्लेयर प्रेशराइज करते हुए दिखेंगे, जोन में डीपर एंड डीपर पुशिंग करते हुए दिख रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे जितना एंगल हो पाए, जितने एरियाज यहाँ पे हो पाए, सबको कवर अप करने की कोशिश आप टीम जरूर से कर रही है, बट स्टिल डिफिकल्टी इनके लिए जरूर से यहाँ पे होने वाली है, दैट्स फॉर श्योर, दिक्कतें बढ़ेंगी इनके लिए एंड यहाँ पे जो पॉइंट सिस्टम का जो अप्स एंड डाउन है वो आपको अभी के अंदर फॉर श्योर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बट एट दिस लोकेशन आई कैन ऑलरेडी सी द थर्ड जोन गोइंग टू श्रिंक इन वेरी रैपिडली, इट्स गोना बी 1 मिनट एंड 12 सेकंड्स टू गो इन फॉर द जोन। टीम सीआरएक्स अगेन डैमेज हो रही है, अगेन डेसिमेट होती हुई दिखेगी, वन मोर गाय गोज ऑन फॉर द गोल, प्रणव आईटी क्लोज आ चुके हैं, देखते हैं प्रणव यहाँ पे कितने पॉइंट्स को निकाल पाएंगे, बिकॉज अब दिक्कतें तो इनके लिए ऑब्वियसली बढ़ रही है, प्रणव की टीम यहाँ पे काफी टैग्ड आउट है, टीम लाइन 9 की स्क्वाड बिल्कुल रेडी है, जो प्रेशर है वो अपने यहाँ पे जरूर से बनाती हुई दिखेगी फिलहाल, सो ऑफकोर्स इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, सीआरएक्स पुशिंग इन द जोन, दैट्स गोना बी अमेजिंग टू वॉच, यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल यतिन वाईटी, सहराज एंड प्रणव वाईटी की जो पूरी जोड़ी है वो निकलती हुई दिख रही है जोन के अंदर, बट बगल से टीम नंबर 3 के प्लेयर्स भी जाते हुए दिख रहे हैं, दैट्स गोना बी टीम श्रीमान लेजेंड, आप देख सकते हो टाइगर यहाँ पे हैं, डैनी डीओपी देखने को मिलेंगे, लूसिफर है एंड ब्लेज भी यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेंगे फ्रॉम टीम श्रीमान लेजेंड, एट दिस पॉइंट दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्काउट इट आउट, बट या M4 ब्लेज गोज ऑन, बचने की संभावना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यस M4 ब्लेज के आगे आपको दिक्कत पड़ चुकी है, ब्लेज को पूरा पिकऑफ यहाँ पे किया जाएगा, डैनी डीओपी साथ ही यहाँ पे देखने मिलेंगे, टाइगर फ्यूरी लूसिफर, पूरा पूरा कॉम्बिनेशन जरूर से इन टीम्स का है, और टीम नंबर 21 का जो प्रेशर है वो इनको अवॉइड बिल्कुल भी करना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्कुल कोशिश रहेगी इस प्रेशर को अवॉइड करने की, जिसमें दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी है इस टीम के लिए, पूरा पूरा बैटल को अपने नाम करते हुए दिख रहे हैं, बट येट अगेन दे आर अनेबल टू डू इट। सच अ गुड वन गाइस, लुक एट दैट, प्लेज यहाँ पे लगातार देते हुए दिखेंगे गाइस, कोशिश पूरी थी यहाँ पे देखिए पॉइंट्स को अपने फेवर में यहाँ पे लेने की, बट येट अगेन एट दिस पॉइंट वन इनके डैनी डीओपी पूरा प्रेशराइज जरूर देखने को मिलेंगे, कोशिश देखिए यहाँ पे कहने के काफी ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं, बट येट अगेन टीम रोनियन की बात करें जाए, स्पॉट किया प्लेज इनकी कोशिश रिटेलिएट करते हुए दिखेंगे, जरूर से डैमेज कहाँ पे जो भरपूर यूजेज है वो भी आपको देखने को मिल पा रहा है, एक अच्छा प्रेशर ये दोनों टीम्स यहाँ पे बनाती हुई दिखेंगे, डील करते हुए दिखेंगे, जिसमें सर्वाइव करना थ्राइव करना येट अगेन एक काफी ज्यादा मुश्किल टास्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट फॉर दिस लोकेशन दे आर वेरी वेरी कीन ऑन गेटिंग मोर एंड मोर पॉइंट्स एट दिस लोकेशन। लिया जाए 16 टीम 53 प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं
ओके, चेंजिंग द व्हीकल्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी फॉर देम, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी अगर आपके पास हो और अच्छी वेल एस्टैब्लिश गाड़ी हो जिसमें दिक्कतें ना पड़े लाइक रोटेट करने में ऑल, तो दिक्कतें पड़ती हैं। लेकिन कॉस्मिक अर्शद को आप गाड़ी फोड़ के क्या जाएगा नॉकआउट, दैट्स अ बैड थिंग फॉर द टीम। एंड यहाँ पे कॉस्मिक अर्शद को जो नॉकआउट किया गया उनका बचना थोड़ा मुश्किल जरूर से है, बट यस बैकअप देने की कोशिश आप करते हो दिखेंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग वन। बैकअप देने के लिए रेड डेड आ चुके हैं, दो ही फर्स्ट एड किट्स हैं, एक बार फटाफट से इनको हील करना पड़ेगा, बट उससे पहले ही जाएंगे रिवाइवल के लिए। आउट ऑफ जोन काफी डैमेज है, चौथी जोन डेढ़ मिनट के अंदर स्विंग होते हुए दिखेंगे, यहाँ पे अर्शद भाई का बचना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। बट क्या कॉस्मिक अर्शद यहाँ पे बच पाएंगे, वेल दैट्स गोना बी द मेजर थिंग। लुक एट दैट गाइस, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे हील करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे, फर्स्ट एड लगाया उससे पहले बैंडेज पे जाते हुए दिखेंगे फटाफट, बैंडेज यहाँ पे हील कर रहे हैं उन्होंने फटाफट। एंड यहाँ पे देख सकते हो ओपन टॉप में राडो इनके पास जरूर से प्रेजेंटेड है, गाड़ी में बैठेंगे फटाफट से रोटेट करने की कोशिश, बैंडेज पे बैंडेज हील यहाँ पे किया जा रहा है, लेफ्ट से रोटेट करेंगे, पूरी कोशिश जोन में पहुंचने की, बट एट दिस पॉइंट द डैमेज व्हिच इज एक्चुअली देयर बाय द जोन इज गोना बी वेरी टॉर्मेंटिंग, बिकॉज अगली जोन शिफ्ट हो चुकी है और चौथी जोन है वहाँ सिर्फ एक डेढ़ मिनट के अंदर आती हुई दिखेगी। येट अगेन अ वेरी ह्यूज कॉम्पिटिशन फॉर द टीम, काफी डैमेज यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिलेगी फॉर टीम कॉस्मिक, बट या दे आर इन द जोन, दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर देम। इवेंचुअली कंपाउंड में जाएंगे, नीचे कंपाउंडेड एरियाज में देखने को मिलेगी आप एक और स्क्वाड, हाथ में M416 है, ग्लेशियर भी देखने को मिलेगी, एक्चुअली दैट्स आई गेस लेट्स से अ गुड नंबर ऑफ स्मोक ओवर देयर। हर्षित यहाँ पे डैमेज जरूर से, बट चलते हैं जोन के अंदर। ओके, जोन के बाहर एक्चुअली बैटल चल रहा है, एक्सार गोन डाउन, टाइटन की बात करें जैक टॉरस यहाँ पर रहेंगे, यूबी के प्रेजेंट यहाँ पर तो देखने को मिलने वाले हैं, 60 अगेन काफी डैमेज है, पिछले मैच में भी कोशिश काफी ज्यादा थी इनकी तरफ से, हालांकि वो पॉइंट्स उठा नहीं पाए अपने फेवर में जो यहाँ पे चाहिए थे रिक्वायर्ड थे लॉबी में, बट येट अगेन इन दिस मैच ऑल्सो द होल रिटेलिएशन, द होल कार्नेज, द होल फाइट, द होल लेट्स से एंथुसियाज्म इज ऑलरेडी देयर राइट नाउ। लुक एट दैट गाइस, पूरा प्रेशर टीम्स डील करने की कोशिश यहाँ पे जरूर से कर रही है, बट पॉइंट्स कितने मिल पाएंगे एक बड़ी चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगी फिलहाल। सो आई गेस यू गाइज रिमेंबर, I guess you guys hope to see that what the casualties are going to be there. So, चलिए गाइस अब यहाँ पे देखते हैं प्रेशर कैसा बनता है, यहाँ पे जोन में कौन कौन सी टीम पहुंच पाती है, बिकॉज चौथी जोन भी यहाँ पे श्रिंक होती हुई दिख रही है, हर एक टीम का जोन में पहुंचना इस समय लाजमी नहीं होने वाला है, बिकॉज देखिए बैक एंड पे और फाइट चल रही है, टीम 2CR के प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं, टीम हुड को पिकअप करने के लिए, दैट्स गोना बी स्नेहल ओपी गेमिंग की टीम, लियोनेक्स है, हर शूज आउट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बात करेंगे दिखे बढ़िया स्पॉटेशन, बढ़िया पिकअप यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है, दैट्स गुड, सुल्तान वाइटी का बचना इम्पॉसिबल, एंड या दैट शुड हैपन, सुल्तान वाइटी का पूरा पूरा पिकअप किया जाएगा। उसी के अलावा अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें जाए, एक अच्छा स्लिंग पॉइंट यहाँ पे इनके नजर मिलता हुआ दिखेगा, येट अगेन अ पिकअप वाज देयर, दैट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच, तीन फ्रैग्स इनके पास है, स्नेहल ओपी गेमिंग वाइटी की स्क्वाड काफी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रही है। वहीं अगर हम बात करें कॉस्मिक अर्शद, काफी डैमेज है, इनको रीलोड पे जरूर से डाला, स्पेस देने की कोशिश, हालांकि शॉट्स के कनेक्शन नहीं है, और यहाँ पे देखिए बढ़िया बकायदा एक अच्छा स्प्रे यहाँ पे केरला एकन की तरफ जाता हुआ दिखेगा, एंड कॉस्मिक अर्शद ऑल्सो गोज डाउन विद द टीम, पूरा पूरा पिक ऑफ यहाँ पे किया जाएगा, स्प्रे दिया जरूर था लेकिन कनेक्शन नहीं बिठा पाए, और अब डेढ़ मिनट के अंदर पांचवी जोन की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती हुई दिखेगी। देखते ही देखते आप जैसे कि देख पा रहे हैं एन नंबर ऑफ टीम्स आर गेटिंग पिक्ड ऑफ, टीम बीआई के स्क्वाड में यहाँ पे डाउन होते हुए दिखेगी, बीआई आर्थर ऑलरेडी गेटिंग डिसिमेटेड, लुक एट दिस लोकेशन, बीआई आर्थर स्क्वाड अकेले रॉक बचे थे, उनका भी बचना इम्पॉसिबल था, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। टीम 23 विद 6 अमेजिंग फ्रैग्स, टीम 22 विद 4 अमेजिंग फ्रैग्स, टीम पटेक विद 0 फ्रैग्स, और टीम नंबर 19 की बात करें जाए इनके पास चार फ्रैग जरूर देखने को मिलेंगे, एंड पूरी पूरी फोर मैन लाइनअप इस टीम के अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि येट अगेन एक इंप्रेसिव चीज़ देखने को मिलने वाली है, येट अगेन एक जरूरी चीज़ देखने को मिलेगी टू बी एग्जैक्ट। चलते हैं फॉल का ट्रॉय की तरफ, जितना बोलेगा इस उतना कम यहाँ पे रहेगा, इस समय जोन जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चैलेंज एक यहाँ पे देती हुई दिखेगी वो इंटरेस्टिंग रहेगा। पिछले मैच में ब्लीड मैग्मा बचे थे और फोर का ट्रॉय यहाँ पे फिनिश ऑफ हो रहे थे, बट इस मैच में कोई ना कहीं चीजें उल्टी होती हुई दिख रही है। 45 सेकंड मोर टू गो, जोन यहाँ पर श्रिंक होगी, डैमेज बढ़ेगा, और जोन का डैमेज यहाँ पे साथ ही साथ जो जोन का प्रेशर है वो आपके लिए एंगेज होता हुआ दिखेगा। टीम 21 ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुकी है, बड़ी टेक विद इंजीनियरिंग, यस टीम 21 हैज बीन पिक्ड ऑफ, दैट्स अ सैड साइड टू वॉच इवेंचुअली, जरूर से मैं आप कहूंगा ये चीज काफी ज्यादा सैड रहता है जब इस तरह की चीजें होती है, बट ये सपोर्ट थिंग इज हियर एंड द शॉट इज देयर राइट नाउ। लुक एट दैट गाइस, ट्राइंग टू डेसिमेट मोर एंड मोर एट दिस पॉइंट, लगातार स्पेस यहां पे देते हो दिखेंगे, लगातार प्रेशराइज किया यहां पे, एक और बढ़िया टॉर्मेंटिंग डैमेज, एक और बढ़िया टॉर्मेंटिंग फाइट इनके फेवर में जरूर जाती हुई दिखेगी। येट अगेन इट्स गोना बी वेरी अमेजिंग टू वॉच दैट, यहां पे जो 11 टीम्स हैं वो किस तरीके से आगे पॉस्टुलेट कर पाती है, वेल दैट वुड बी द कार्नेज व्हिच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, दैट वुड बी द इनिशिएशन ऑफ द होल कार्नेज कमिंग अप, इट्स गोना बी वेरी इंप्रेसिव टू वॉच वन। ऑल राइट, चलते हैं अगर डीकेटी आयुष की तरफ, देख सकते हो फिलहाल यहाँ पे डीकेटी आयुष स्पॉट करते हुए दिखेंगे। वहीं अगर हम बात करें टीम मेरिट डाकू यहाँ पर रहेंगे, नेट्स उनकी तरफ से भी जा रहे हैं, प्रेशराइज करेंगे, मॉली काफ़ी ज़्यादा पास में है, या ठीक ओ दैट वाज अ स्मूथ वन, लुक एट दैट गाइस, क्या बात है, एक स्मूथ कनेक्शन यहाँ पे बनाते हुए दिखेंगे, नेट का और बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्टिविटी थी, बहुत ही बढ़िया पिक ऑफ यहाँ पे निकाला है इन्होंने, इंटरेस्टिंग वन, इंटरेस्टिंग वन टू बी एग्जैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट वहीं लॉकर की बात करें, अगेन वो बैकड्रॉप एरियाज में रहने वाले हैं,
लॉकर 777 प्रेजेंट यहाँ पे जरूर से रहेंगे, यहाँ पे इनकी तरफ से भी रिटेलिएशन रहेगा। तो देखते हैं लॉकर 777 यहाँ पे क्या कर पाएंगे। येट अगेन द अनदर बैटल इज गोना बी देयर राइट नाउ। लेट्स सी टीम नंबर 2 यानी कि सेल्स बिलियन की स्क्वाड बहुत ही बढ़िया डोमिनेशन एग्जिबिट कर रही है, एक अच्छा हायर रेज है इनके पास, सामने से भी फाइट आ रही है बाकी इंडिया से भी, यानी कि टीम 2 CR के प्लेयर्स लगातार प्रेशराइजिंग को करते हुए दिखेंगे, जो कि लगातार इनके लिए दिक्कत वाली बात जरूर से बनती हुई दिखेगी। इनिशियली काफी अच्छा सर्वाइव जरूर से इन्होंने यहाँ पे किया था। At this point, I guess the casualties are going to rise a lot. बहुत ज्यादा दिक्कतें पड़ेगी इस टीम के लिए। अब सर स्टैन ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं, मेड नीड के जेम इनको यहाँ पे डाउन किया जा रहा है बाय द हैंड्स ऑफ दीस गाइस राइट नाउ, दैट्स गोना बी टीबी इन्फर्नो। उनके लिए दिक्कतें काफी बढ़ चुकी हैं, लुक एट दैट, इन्फर्नो के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं यहाँ पे। वहीं अगर बात करें लूसिफर की, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, स्पॉट कर रहे हैं, मौके की तलाश रहेगी, बट क्या पिक ऑफ निकल सकते हैं, क्या आइडिया कनेक्ट कर पाएंगे बल्कि या फिर नहीं, ये देखना चाहिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। All right, स्पॉट किया यहाँ पे, डैमेज आउट करने की कोशिश, दिक्कतें बढ़ रही हैं इस टीम के लिए, बट स्टिल अनेबल टू टैक देम आउट, अनेबल टू टैक देम डाउन एट दिस मोमेंट। और कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जो हैं वो एक चेंजेस बदलते हुए दिखेंगे यहाँ पे, कहीं ना कहीं पॉइंट्स जो इनके हैं वो फिलहाल वो भी लो होते हुए दिख रहे हैं, टीम्स के लिए दिक्कतें काफी बढ़ चुकी हैं, काफी पुरजोर दम लगाया था, बट एट दिस पॉइंट इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच द हाउ द रिटेलिएशन इज गोना बी देयर। लुक एट दैट गाइस, लेफ्ट से रोटेट किया, स्पॉट किया एक और प्लेयर को पिक ऑफ करने की पूरी कोशिश, एक्सक्लूसिव पर यहां पे आ चुके हैं। इनिशियली काफी अच्छा फ्लैग डाउन यहां पे करते हुए दिखेंगे, लुक एट द काइंड ऑफ डैमेज कमिंग अप, रैंडम शॉट्स यहां पे ले जा रहे हैं हर एक मल्टीपल एंगल पे, टीम पूरी कोशिश करेगी बट टीम नेड यहां पे जान होने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही है, लगातार रिटेलिएट करेंगे, बट यस एट दिस पॉइंट द डैमेज हैज बीन डन, एक और प्लेयर को डाउन किया जाएगा। डूम जैक के लिए बचे हैं फिलहाल, पॉसिबल रहेगा, ओ स्मूथ वन, स्मोक में काफी अच्छा खासा गन ब्लास्ट यहां पे किया जाएगा। एंड देखते द बैटल इज ओवर फॉर देम राइट नाउ। द टीम व्हिच इज गोइंग टू सर्वाइव ऑन द टॉप इज गोना बी टीम सेल्स बिलियन वंस अगेन। लुक एट दैट, फर्स्ट पे ये प्रॉपर एक कॉम्पिटिटिव टीम है गाइस, कहीं ना कहीं इसकी वजह से शायद इनके पास बहुत ही अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छा प्रेशराइजिंग सीन भी देखने को मिलेगा यहां पे। येट अगेन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ऑलराइट, वहीं अगर अपसर्च की बात करें जाए, देखिए फिलहाल उनकी तरफ से भी नीड्स, उनकी तरफ से भी प्रेशर लगातार यहाँ पे दिए जाएंगे। फिलहाल वहीं पे अपसर्च 10 जरूर से प्रेजेंट है, लकी 777 देखने को मिलेंगे, बिलियन यहाँ पे है, सेल्स के अभी ओपी भी देखने को मिलने वाले हैं। अगेन ये सारी की सारी टीम्स मिलकर जितने भी स्मोक्स यहाँ पे कर ले, जितना भी प्रेशर यहाँ पे दे रहे हैं, बट वन थिंग दे कांट अवॉइड, वेल दैट्स गोना बी द रिटेलिएशन, द कार्नेज, द होल गन फाइट व्हिच इज गोना बी देयर। लुक एट दैट, अनदर नीड इज बाउंसिंग बैक, CR एथिन वाइट की तरफ नीड गया, इजी फ्रैग आउट यहां पे होते हुए दिखेंगे नाइट से, और बहुत ही बढ़िया फ्रैग आउट यहां पे हुए भी, बन लेने की कोशिश, अपसर्च गोस डाउन, लेकिन पीछे से बैकअप कितना बढ़िया यहां पे जाता हुआ दिखेगा, बिलियन यहां पे जरूर से बचे लॉबी के अंदर, लगातार डेसिमेट करेंगे, बट द मैच हैज एंडेड। लुक एट दैट, द होल फाइट इज ओवर, द होल कार्नेज इज ओवर, एंड विद दैट आवर टीम सेल्स बिलियन हैज वन द मैच विद सम ब्यूटीफुल ग्लोस। देखते गए जिन्होंने अपना पूरा चिकन अपने नाम यहाँ पे किया, पिछले मैच में चिकन नहीं ले पाए तो क्या हुआ, इस मैच में चिकन तो अपने नाम करके जाएगी ये टीम विद सम अमेजिंग 8 फ्रैग्स, दैट मींस टोटल अगर करा जाए तो कहने के इनके पास यहाँ पर जाने वाले हैं पॉइंट्स 23। इट वॉज वेरी अमेजिंग टू वॉच दैट हाउ द फाइट्स वर देयर, बेस्ट कंपेनियन यहाँ पे देखने को मिल पा रहे हैं आपको स्नेल ओपी गेमिंग के ड्रैगन, बट विद दिस गाइस आवर बैटल इज ओवर। टिल देन पीस आउट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, लव यू ऑल, माय नेम इज रेडर, सी यू इन अ बिट, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट मैच के साथ तब तक के लिए लूंगा छोटा सा अलविदा। और say why you're a stranger now, your eyes escape mine when I sit you down, don't you feel like we're holding on onto a fairy tale but the magic's gone. It's time to
goodbye. They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. It's time.
you know I'm up for upper, 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 for upper, upper, upper. If you wanna wake up, there's places I could take you. Feel like we're holding on to a fair.
the magic's gone. Been months of puffing the blushes and faking the butterflies. Wake up, yeah, I'm kicking the castle down. Ooh, yeah, I think it's time to talk. Ooh, yeah, I think it's time to talk. वेलकम बैक गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अ बैंग, लेके आ चुके आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग मैच, एक और इंटरेस्टिंग जर्नी। आई नो आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारा एल्गाटो का है, हमारा फोन का है, ऑल चीजें कहाँ दिख रही है, तो ये लो गाइस आप लोग के लिए आ चुका है। फिलहाल हमारा स्क्रीन यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस जरूर से बनाया था मैंने, कोशिश जरूर से करी थी आई गेस लेट्स से, बट 22 टीम 86 प्लेयर प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। श्रीमान लेजेंड के साथ साथ नीड एक्स की लाइनअप टीम सेल्स बिलियंस बैक टू बैक दो मैच में यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखी गई। पहले मैच में 24 पॉइंट, दूसरे मैच में 23 पॉइंट लेके यहाँ पे कहने के गई है। पहले मैच में आप हैशटैग सेकंड का पोजीशन था, दूसरे मैच में एक अच्छा विनर विनर चिकन अपने नाम करके गए हैं। लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हैं फ्लाइट पाथ हमारा स्टार्ट हो चुका था फ्रॉम द एरिया ऑफ मिल्टा पावर एंडिंग इन द एरिया ऑफ प्रिज्मॉक। मिल्टा पावर से प्रिज्मॉक एरिया में जो आप फ्लाइट पाथ अब एंड हो रहे हैं, यहां से कैजुअलिटीज अब देखिए यहां पे राइज होना शुरू हो जाएंगे। जरूर से यहां पे कुछ नए फ्रैग्स, कुछ नए पॉइंट्स यहां पे टीम जील करना शुरू करते हुए दिखेंगे। सो लेट्स सी कौन सी टीम कितने पॉइंट्स को यहां पे गेन कर पाती है एंड इवेंचुअली यहां पे किस तरह का ग्रोथ इस टीम को यहां पे मिल पाएगा, कौन सी टीम कितने पॉइंट्स को अपने नाम यहां पे कर पाएगी। वेल दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच वी वांट टू गेट एन आंसर फॉर एंड इवेंचुअली आप जैसा कि देख पा रहे हैं 60 लाइक्स हम लोग यहां पे हिट कर चुके हैं। वेल द लाइक गेम इज गोना बी लेट्स से 75 लाइक्स गाइस हिट कर सकते हैं, 15 और लाइक चाहिए फिलहाल पे। एंड टीम ब्लाइंड की तरफ से गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ब्लाइंड के विलियम्स फिलहाल यहाँ पे जो मेन लाइन के प्लेयर है जिनको आप कहीं ना कहीं हमें कास्ट करते हुए देखा होगा आपने मुझे यहाँ पे स्काई स्पोर्ट्स में जहाँ पे हमने बताया भी है इनके बारे में। फिलहाल तो लेट मी चेक इट आउट वो कहाँ पे है और कौन सी लाइन अप में यहाँ पे खेल रहे हैं। लेट मी जस्ट स्पॉट हिम आउट। ओके ओके ओके, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम। आई गेस आई हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ही इज हियर इन द लॉबी। देखते हैं गाइस वो यहाँ पे किधर है फिलहाल आपको बताऊंगा। जरूर से देखिए गाइस ब्लाइंड विलियम्स यहाँ पे आ चुके हैं। फिलहाल पूरी की पूरी लाइनअप आपको प्रेटी मच प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो विलियम्स के साथ साथ ओबे इवोस टैंकी एंड फिनटॉक्स विंटर देखने को मिलने वाले हैं। सो आई गेस जो कुछ टीम्स डोमिनेट कर रही है काफी देर से उनके लिए एक बड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज सेल्स विलियम्स जैसी जो लाइनअप है वो कहने के काफी अच्छे तरीके से अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे निकाल रही है, काफी बढ़िया तरीके से पॉइंट्स को यहाँ पे डील कर रही है। बट इवेंचुअली नाउ द रिटालिएशन इज गोना बी ऑन पॉइंट, नाउ द बैटल इज गोना बी ऑन पॉइंट एंड आई गेस यहाँ से इस लेवल से अगर मैं कहूँ फिलहाल पॉइंट्स इनिशिएट करना अब दिक्कत
दिक्कतें जरूर से बढ़ती हुई दिखेगी ऐसी टीम्स को। फिलहाल पटाखे दास को अप डाउन किया जा रहा है। वेल वी हैव अ कैजुअलिटी कमिंग अप। लॉबी के अंदर कुछ कैजुअल फाइट्स आप जरूर से देखने मिलेगी। सो लेट्स सी किस तरीके से पॉइंट्स आप गेन करते हुए दिखेंगे टीम। बात करेगा टीम 23 की, वेल देयर वी गो। आई गेस एक शॉटगन का शॉट इनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इनको करेंगे पूरा फिनिश ऑफ, ऑब्वियसली इनको बचने का मौका नहीं दिया जाएगा एंड दैट इज गोना बी द मेजर थिंग फॉर देम। इवेंचुअली एम की बात करें जाए उनके लिए भी ट्रबल रहेगा। टीम ब्लाइंड और उनकी मेन लाइनअप प्रेजेंट है अभी फिलहाल कोचिंग की वेसिनिटी में, जहां पे फाइट मिलेगी जरूर से इनको। चलते हैं टीम 23 की तरफ, टीम 13 की तरफ टू बी एक्सैक्ट। सीईएस एक्स अराइज इनकी स्क्वाड यहाँ पे देखने मिलने वाली है। दैट्स गोना बी नेक्सस, ब्लॉक, विचर एंड यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे रे रिप। पहला मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था इनका, काफी जल्दी पिकअप हुई थी इनके पूरे पूरे लाइनअप, पर इस मैच में देखते हैं किस तरह की कैजुअलिटीज यहाँ पे टीम्स बर्न अप करती हुई दिखेंगे, कैसे पॉइंट्स आप अपने लिए बर्न अप करते हुए दिखेंगे। वेल दैट्स गोना बी द इंटरेस्टिंग वन टू वॉच इवेंचुअली। अगर आप दिस पॉइंट अगर हम बात करें जो कैजुअलिटीज है, जो फाइट्स है, जो इंटरेस्टिंग बैटल यहाँ पे रहेगा वो कहने के बिल्डअप होता हुआ जरूर दिख रहा है। चलते हैं फटाफट यहाँ पे टीम 21 की तरफ। बी आई के स्क्वाड की बात करें जाए यहाँ पे बेस प्लेयर्स हैं एस ओपी रॉक एंड बीएम देखने को मिलने वाले हैं। इस समय पूरी की पूरी लाइनअप इनकी यहाँ पे पूरी प्रेजेंट देखने को मिलेगी। बी आई आर्थर की पूरी स्क्वाड, पूरा रोस्टर एक पॉइंट करके यहाँ पे कहने के फिर आपको गट का सिक्स आउट करके असेंबल करता हुआ दिखेगा एंड देन उस कंपाउंड को उस फैसिलिटी को लूटने के बाद आई गेस इस टीम को कुछ अच्छे पॉइंट्स इनके फेवर में जाते हुए जरूर से यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। पर एट दिस पॉइंट टीम इज प्रीटी मच रेडी, द कार्नेज इज प्रीटी मच रेडी एंड ये चल रहा है गाइस कॉस्मिक प्रेजेंस इंडिपेंडेंस कप व्हिच इज मैनेज्ड बाय ड्रैगो एंड इट इज गोना बी मी द कास्टर व्हिच इज गोना बी रेडर जो कि आप लोग यहां पे आपको कास्ट करते हुए देखेंगे। फिलहाल पर चलते हैं टीम पटाख की तरफ। एक नजर मारी जाए काफी बुरी इनके लिए सिचुएशन रहेगी। ताज नॉक हो चुके हैं, फिनिश ऑफ हो चुके हैं। रैथ निकी जीटिंग वाइटी और उसके अलावा टॉक्सिक भी टू पे एग्जैक्ट यहां पे देखने को मिलेंगे फिलहाल। सो एट दिस मोमेंट लेट्स सी यहां पे देखते हैं कितनी टीम्स कितने ज्यादा पॉइंट्स अफोर्ड कर पाती हैं। 22 टीम आई थी, 22 की 22 टीम प्रेजेंट यहां पे देखने मिलेंगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स वाज 86 एंड एट दिस मोमेंट यू कैन सी दैट प्लेयर का जो नंबर है वो कहने के गिरता हुआ आपको जरूर से दिखेगा एंड यहां पे अभी सिर्फ 82 प्लेयर्स देखने को मिलने वाले हैं मात्र। यहां पे जो कहने के चार प्लेयर्स पिक ऑफ हो चुके हैं, बाकी के जो प्लेयर्स बचे हैं अपने अपने एरियाज में यहां पे लूट करने के लिए निकल चुके हैं। देयर वी गो, वी हैव अनदर फाइट कमिंग अप। टीम 23 के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगे। यहां पे जो इनके अकेले प्लेयर थे जिन्होंने शॉटगन चलाई थी कहीं ना कहीं, वेल उनको मुंह की खानी पड़ी है। फिलहाल यहाँ पे बाय द हैंड्स ऑफ टीम 17 2CR के सुल्तान वाइटी हैं। क्रॉनिक्स यहाँ पे रहेंगे वीक प्लेयर एंड साथ ही साथ आपको जादू ओपी भी देखने को मिलने वाले जो कि कंपैरेटिवली कुछ स्टैंड ले चुके हैं इस टीम के लिए एंड यहाँ पे देखिए पॉइंट सिस्टम में अपना गेम जरूर से टीम दिखाती हुई दिखेगी। येट अगेन इट्स गोना बी द इंटरेस्टिंग वन, येट अगेन इट्स गोना बी द मेन वन एंड लुक एट दैट गाइस यहाँ पे काफी अच्छा क्लैश हो गया इनके लिए रहेगा क्लैश। तो चलते हैं गाइस आगे, अपने पास से कैजुअलिटीज निकलती हैं। टीम 23 की बात करें जाए 60 ओपी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अकेले हैं। 100 सीसी के यहाँ पे रिट्रीट आ चुके हैं, रेटी फैट रहेंगे। उसी के अलावा अगर हम बात करें प्राइम है, पार्कर रहने वाले हैं, साथ ही वायरस यहाँ पे देखने मिलेंगे। फिलहाल देखते हैं 100 सीसी की ये लाइनअप किस तरीके से डोमिनेट कर पाती है। एट दिस पॉइंट आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू वॉच देम ट्राइंग टू परफॉर्म। 60 की बात करें जाए हील करते हुए दिखेंगे फटाफट से जितना हो सके, बूस्टर्स का इस्तेमाल जरूर से यहाँ पे करते हुए दिखेंगे बिकॉज एक बड़ा फाइट इनके सामने आता हुआ दिखेगा। लुक एट दैट गाइस, प्रेशर आ चुका है गाइस, कैंप करते हुए दिखेंगे। होल्ड करने की कोशिश, एक प्लेयर को डाउन किया फिलहाल, दूसरे प्लेयर की कैजुअलिटी बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है। 1v1 का ब्रूटल मैच यहां पे चलता हुआ दिखेगा बट इवेंचुअली टीम नंबर 10 यहां पे एग्जैक्ट टीम नंबर 8 यहां पे लेके जाएगी काफी बढ़िया पॉइंट। इजिली कहीं ना कहीं इन्होंने वायरस को डाउन जरूर से किया था, लेकिन रेती की तरफ से जो कॉम्बिनेशन थे वो काफी इंप्रूव थे। बढ़िया बैटल इन्होंने टैकल किया, बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट्स को अपने एंगेज किया एंड दैट वाज समथिंग वेरी कीन ऑन। यहाँ पे कहने के जो कैंप था, जो होल्ड था फिलहाल यहाँ पे उसको जज नहीं कर पाए थे एंड वायरस और उसी की वजह से पिकअप होते हुए दिखे थे एंड दैट वाज समथिंग द गाय वाज ट्राइंग टू डू बट इवेंचुअली ही हैज बीन पिक्ड ऑफ। टीम 23 पूरी की पूरी साफ होते हुए दिखेगी। 60 वाज द नेम ऑफ द गाय रिमेनिंग फ्रॉम दैट टीम बट या पूरी की पूरी टीम अब हो चुकी है ऑब्लिटरेट। सो आखिरी क्वेश्चन रिमेनिंग पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बात करते हैं टीम टीम की लीड के प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, वी हैव मैग्वा वुल्वरीन एंड वो आपको बी भी देखने को मिलेंगे। फॉर कट्रॉय की बात करें जाए वो अगेन बैकड्रॉप एरिया में काफी पीछे रहेंगे, मैग्मा प्रेजेंट है, वुल्वरीन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बी है यहाँ पे, फॉर कट्रॉय अभी भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हुए दिखेंगे अपने पूरे फाइट को, अपने पूरे एरिया को, अपने पूरे वैसिनिटी को। वहीं अगर हम बात करें टीम सीआरएक्स की, यतिन वाइटी हैं, प्रणव वाइटी रहेंगे, शिन प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, सहराज यहाँ पे आ चुके हैं, वेल उनको भी पिक ऑफ किया जाएगा। वंस अगेन ही हैज बीन टॉर्मेंटेड बट शिन इज स्टिल इन द फाइट राइट नाउ, लेट्स सी हाउ द कैजुअलिटीज इज गोइंग टू राइज। अनदर नेड कम्स अप, एक और बढ़िया नेड यहाँ पे बैंग ऑन परफॉर्मेंस देने के लिए कहने के इनको प्रोवोक करता हुआ दिखेगा बट इज इट पॉसिबल फॉर देम टू गेट दैट विक्ट्री इनटू द पर्सपेक्टिव, वेल दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स। टीम मेगा बॉय गेमिंग अगेन ट्रबल में देखने को मिलेगी, पिछले दोनों ही मैचेस उनके लिए कारगर साबित नहीं हुए थे और इस मैच में भी देखते हैं उनके लिए ट्रबल जरूर रहेगा। डॉक्टर इनकी टीम के आखिरी उम्मीदवार थे, उनको भी डाउन किया जाएगा यहाँ पे देखते देखते 22 का के लेके गई है काफी अमेजिंग फिनिशेस। दिस इज गोना बी द स्क्वाड ऑफ कूल गेमर्स। कन्वर है 2 पॉइंट के साथ, आयुष 1 पॉइंट के साथ। बात करते हैं टीम 17 की तरफ, 2 पॉइंट्स इनके पास जरूर से रहेंगे लेकिन स्लैमिन
वेल एक इंटरेस्टिंग सामने देने की कोशिश ये टीम जरूर कर रही है। जोन के अंदर एक अच्छा खासा मेरा भी एरिया उन्होंने कवर अप कर रखा है। बट देन वी टॉक अबाउट टीम नंबर 8, वेल वी हैव प्राइम व्हिच हैज बीन पिक्ड ऑफ। वायरस का बचना थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा, लेकिन रिटेलिएट काफी बढ़िया करते हुए दिखेंगे। टीम एक्सेलेंट बॉय वंस अगेन इज ट्राइंग टू परफॉर्म, बट इज इट गोना बी देयर, द परफॉर्मेंस यहाँ पे आती है या फिर नहीं आती है, ये देखना कहने के काफी क्रूशियल रहने वाला है। दिक्कत है बहुत बढ़ चुकी है समय टीम के लिए, डैमेज है। अभी अभी एक बैटल के अंदर कहने के निकल के आई थी हमारी टीम नंबर 8, रिटालिएट क्या एक्सेलरेट बॉय जाएंगे फ्रंट एंड पे वन वन लेने की कोशिश, लेकिन चौक करते हैं यहाँ पे फिलहाल। एक्सेलरेट बॉय को भी पिक ऑफ किया जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू द लाइनअप राइट नाउ, बिकॉज़ इवेंचुअली यू गाइस नो दैट एक टाइम पे ये प्लेयर कहने के काफी मिला भी थे, काफी बढ़िया खेलते थे, बट अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं जस्सी लास्ट रिमेनिंग स्टैंडिंग थे, उनको भी पिक ऑफ किया जाएगा। उसी के साथ होता है इस लाइनअप का खात्मा। देखते ही देखते टीम नंबर 8 करके जाएगी फिलहाल 6 अमेजिंग फ्रैग्स। क्या बात है गाइस, बावजूद इसके इनके पास एक भी प्लेयर का लॉस देखने को नहीं मिल पा रहा है। टोटल 17 टीम्स, 64 प्लेयर्स पहली जोन के खत्म होते होते तक अभी भी बचे यहाँ पे, एंड आई गेस पहली जोन अभी खत्म हुई नहीं है, सो कुछ मोर कैजुअलिटीज यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी। बट चलते हैं बिलियन की तरफ, सेल्स बिलियन की लाइनअप खतरे में देखने को मिलने वाली है। बिलियन एक फ्रैग ले चुके हैं, बट दूसरा खुद यहाँ पे नॉकआउट होते हुए देखेंगे। बिलियन के लिए अगेन टॉर्मेंटिंग डैमेज, पूरा पिक ऑफ यहाँ पे इनको किया जाएगा। सेल्स अभी ओपी, लॉकर 777 एंड यहाँ पे रश गॉड भी प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके दैट्स टीम फॉरएवर्स रश गॉड, क्या बात है गाइस, काफी अमेजिंग लाइनअप्स यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। टीम फॉरएवर के रश गॉड भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और सेल्स के अभी हैं, बिलियन जस्ट अभी पिकअप हुए हैं, लॉकर 777 भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पहली जोन मात्र कुछ चंद सेंटरों में यहाँ पे देखो फिलहाल श्रिंक होती हुई दिखेगी। रश गॉड के बाकी के टीममेट्स फॉल बैक करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी हाउ द सेकंड जोन इज गोना बी देयर, देखते हैं सेकंड जोन हमारी किस तरीके से रहती है, कैसे पॉइंट सिस्टम दिखाएगी, कैसे नई चीजें यहाँ पे बिल्डअप करते हुए दिखेगी। वेल दैट्स द मेजर 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 कंसर्न व्हिच वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड, एंड ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पे स्टेबलाइज जरूर से रहेंगी ये टीम्स, बट जो पॉइंट्स हैं वो उठाना यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है इन टीम्स के लिए। चलते हैं बड़ा बच्चे यहाँ पर टीम टीम की तरफ, वी आर फॉर एंड दी अदर गाइस पासवर्ड यहाँ पे पिक ऑफ होते हुए दिख रहे हैं जरूर से। पासवर्ड के लिए ट्रबल सम यहाँ पे सिचुएशन जरूर से रहेगी, अकेले प्लेयर यहाँ पे हैं। टीडब्ल्यू की बात करें जो है ड्रीम जरूर से प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। येट अगेन इट्स गोना बी अ वेरी कैजुअल वन, लुक एट दैट गाइस, फुल ऑन रिटेलिएशन यहाँ पे जरूर से कोशिश करते हुए दिखेंगे। पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पे पॉइंट्स को उठाने की, गेन करने की, एंड कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को अपने फेवर में लेने की। वेल दैट्स गोना बी द अमेजिंग वन, लुक एट दैट गाइस, ब्लेड ओवर ब्रेन गोइंग फॉर द नेट राइट नाउ। नेट से कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन फॉर का ट्रॉय का नेट है, पासवर्ड को करेगा डाउन, इनकी तिजोरी को कर दिया गया क्रैक आउट जस्ट लाइक दैट, इनको भी पिक ऑफ किया जाएगा। दैट्स अ वेरी 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 टॉर्मेंटिंग डैमेज, एंड आई गेस दिस सीन इज गोइंग टू चोक ऑन टू वेरी हार्ड। आरएपी मिजो मेन लाइनअप, वेल ऑफकोर्स आरएपी मिजो की मेन लाइनअप भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही जल्द दिखाऊंगा आपको उनको भी। बट एट दिस पॉइंट आरएपी मिजो की जो मेन लाइनअप है वो थोड़ा बैकड्रॉप एरियाज में जरूर से यहाँ पे रहने वाली है। दैट्स इट, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कट द रोटेशन, यहाँ पे रहेंगे दैट्स रिवर्स एक्स लिक यूट्यूब निर्वाणा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखते हैं उनका किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता है। क्रिएटर सबसे पहले नॉक फिनिश हो रहे हैं, ऑफकोर्स यार गलत लेवल पेट रहे हैं यहाँ पे। 17 टीम 60 प्लेयर्स अभी भी देखने को मिलेंगे, जितनी स्ट्रेंथ है सारी की सारी टीम्स यहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड जोन श्रिंक होने में 1.5 मिनट से कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम ज्यादा जरूर से है, बट जो कैजुअलिटीज यहाँ पे जॉर्ज पोल नॉर्थ वेस्ट सिटी में चल रही है इट्स अमेजिंग टू वॉच। पॉकर ट्रॉय ब्लीड वुल्वरीन मैग्मा प्रेजेंट है यहाँ पे, टीडब्ल्यू के ड्रीम भी आपको देखने को मिलेंगे। येट अगेन द कॉम्बिनेशंस आर हियर, पासवर्ड अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 1.18 ला चुकी है, एक अंडरडॉग है, लूसिफर इन्फर्नो एंड साथ ही आरसी गेमिंग देखने को मिलेंगे। पहला मैच आरसी गेमिंग का काफी पोअर था, इनिशियली काफी बुरे तरीके से टैक डाउन हुए थे, पिकअप हुए थे, फिनिश अप हो गए थे, बट इस मैच में देखते हैं क्या ये इनिशियल मैच के बावजूद यहाँ पे कुछ अच्छे फ्रैग्स निकाल पाएंगे या फिर नहीं, वो देखना चाहूंगा। फिलहाल एट दिस पॉइंट एवरीथिंग इज गोना बी वेरी अमेजिंग टू वॉच, लुक एट दैट, अनदर स्पॉटेशन इज गोना बी देयर। पूरी कोशिश यहाँ पे रहेगी इन टीम्स की स्पॉट करने की एंड कहीं ना कहीं चैलेंज आउट करने की, दैट्स गोना बी अमेजिंग टू वॉच। ऑलराइट यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन करने के काफी देखने को मिलेगी। वी हैव टीम ब्लाइंडो, विलियम्स यहाँ पे आ चुके हैं, स्टैंक की पिकअप हो चुके हैं, फिर टॉक्स विंटर्स गोना गो डाउन, देखते हैं विलियम्स यहाँ पे 1v4 कर पाएंगे। कूल गेमर्स की स्क्वाड आते हुए दिखेगी, काफी ज्यादा क्लोज, एक अच्छा 1v3 यहाँ पे कहीं ना कहीं करने की कोशिश, एक बनिए को यहाँ पे नॉक करेंगे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं, विलियम्स काफी टाइट आउट है इस पॉइंट पे। एक और प्लेयर को डाउन करते हुए दिखेंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग, हील करना पड़ेगा इनको फटाफट से, 4 फर्स्ट एड किट इनके पास जरूर से है, सही टाइम पे हील दबाना इनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट देयर वी गो, विलियम्स आल्सो गोस डाउन जस्ट लाइक दैट, द होल टीम हैज बीन डेसिमेटेड। देखते ही देखते ब्लाइंड विलियम्स जो कि कहीं ना कहीं टीम ब्लाइंड के मेन लाइनअप के मेन प्लेयर हैं, उनको पिक ऑफ यहाँ पे किया जाएगा, उनकी टीम को डेसिमेट किया जाएगा। लेकिन उन्होंने भी काफी कड़ा एक कॉम्पिटिशन जरूर से दिया था, लेकिन कूल गेमर 7 फ्रैग्स के साथ इस समय बेकाबू हो चुकी है, लगातार इनको यहाँ पे टॉर्मेंट करने की कोशिश, लेकिन डाकू डाउन होंगे एंड अ फ्रैगर इज गोना बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। फुल ऑन फॉल बैक करने की कोशिश, 2CR के प्लेयर यहाँ पे प्रेशराइज जरूर से करेंगे। लेट्स सी क्या 2CR के प्लेयर इनको चेज कर पाते हैं, बिकॉज फॉल बैक करने के लिए देखिए कहीं ना कहीं निकल चुके हैं, एक अच्छी इनके पास यूएस भी है क्लोज स्टॉप, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठेंगे। नाउ द फॉल बैक
should be there, I guess. If I'm not wrong, I guess the fuel is not there in the vehicle, and that is why the retaliation is going to be there. GVK Chronics, you are trying to spot the boosters. You have boosters utilized. And this direction, you have blind ke Williams ko feka gaya tha, ek 1v3 ke battle. You have seen the fragger ki taraf hoti hui dikhegi because you are alone. And samne se team number 17 ka jo pressure hai, wo ab kam hone nahi wala. Wo to laga tha pressurize aap pe karti hui dikhegi. So let's see, kya ye apne battle ko apne favor mein le paate hain, casualties gain kar payenge, points percentage kar payenge, ye dekhna kahne ke kafi zyada amazing rehne wala hai. But yet again, it's going to be very impressive one to watch that how the casualties are going to rise at this location. DKD Fragger with a good amount of blow coming up in the lobby, good amount of pressure coming up in the lobby. It's going to be very amazing to watch that how the carnage is going to be there. Well, that is something we have to be pretty eager about. But at this point, DKT Fragger अभी भी खुद को काफी ज़्यादा अच्छी तरीके से well placed रखने वाले हैं, and आगे देखते हैं क्या होता है. अभी के लिए तो काफी अच्छे TPP इनके पास है, cover लेके बैठे हैं शांति से समय, without a moment he is just trying to lay very low, and that would be the guess for him. Independence Cup guys, जरूर से like share subscribe करिए फिलहाल यहाँ पे. Let me check, 62 likes हम लोग यहाँ पे हिट कर पाए अभी तक, क्या बात कर रहे हो गाइज. एटलीस्ट हमें 75 लाइक्स हमें यहाँ पे हिट करने, तो जल्दी जल्दी जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. सारे क्रिएटर, सारे यूट्यूबर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉबी कमिंग अप इन द फाइट. सो आई होप आप लोग यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करोगे, आई होप आप लोग यहाँ पे एंजॉय जरूर से करोगे. बट इस मैप के साथ अब नई कैजुअलिटीज यहाँ पे लॉस होंगी. दैट्स गोना बी टीम BIR द स्क्वाड. 5 फ्रैग अपने नाम कर चुके हैं. पहला एरेंगल का मैप अगर मैं बात करूं, उसमें भी इनके पास यहाँ पे 8 से 9 फ्रैग जरूर से थे. इनिशियली वो यहाँ पे पिकऑफ हो गए थे, लेकिन इस मैप में पूरी मैन पावर के साथ ये टीम अभी भी देखने को मिलेगी. फुल लाइनअप प्रेजेंट है, एंड सामने इनके ओपोनेंट्स देखिए गाइस, RIP मेज होगी. फुल लाइनअप देखने को मिलेगी. फ्लिक यूट्यूब, रिवर्स एक्स, एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दैट्स गोना बी T1 ई पूजा, जो वट एवर द नेम इज, वट इज द नेम यार, क्या यहाँ पे इनका T1 भाई, नहीं पढ़ सकते भाई, इनका नाम नहीं हो पाएगा हमसे. भाई तो चलिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से पोस्टुलेट करेंगे. वेल अगेन स्पॉट करने की कोशिश, अगेन पिक डाउन करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखेंगे. लेट्स सी क्या BIR के स्पॉट को एक बढ़िया कॉम्पिटिशन ही दे पाएंगे, देखना चाहूंगा फिलहाल यहाँ पे. अगेन द कॉम्पिटिशन इज गोना बी वेरी अमेजिंग टू वॉच, बट यस दिक्कत है जरूर से बढ़ती हुई. देखिए जरूर से गाइस जाके यहाँ पे डेली PGMI टूर्नामेंट्स अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करने, खिलाड़ी अड्डा का आप जाके डाउनलोड करो, जहाँ पे स्क्रिम्स एंड टूर्नामेंट्स चलते हुए दिखेंगे. फिलहाल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पिंड है, और कहने के कमेंट सेक्शन में लाइव चैट पे भी पिंड यहाँ पे देखने को मिलेगा. RIP मिजो की स्क्वाड प्रेशर में जरूर से रहेगी. एक बंदे को डैमेज यहाँ पे कर दिया गया, एक बंदा पिकऑफ हो चुके हैं. तीसरी जोन 1.5 मिनट के अंदर आती हुई दिखेगी. येट अगेन वी हैव अ क्लैश कमिंग अप वेरी वेरी सून. जैसे ऐसे जोन शिंग होगी, वैसे बैटल स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा, वैसे वैसे पॉइंट्स गिरते पड़ते दिखेंगे इन टीम्स के रिगार्डिंग. एंड दैट इज एन अमेजिंग थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इट्स गोना बी वेरी अमेजिंग वन टू वॉच हाउ दीज कार्नेजियस बैटल इज गोना बी देयर. दैट्स समथिंग आई एम वेरी ईगर टू वॉच. और यहाँ पे देखिए फिलहाल पूरी कोशिश रह रही है, देन इनका फेवर जो अपने पास लेने की कोशिश कर रही है टीम. यहाँ पे देखिए पोस्टुलेट कर रहे हैं जाने की कोशिश जोन में, एक अच्छा होल्डिंग यहाँ पे. वो टीम श्रीमान लेजेंड की स्क्वाड बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है, इनके पास काफी अच्छा एक एरिया है, काफी अच्छा कवर रहेगा. सामने टीम 17 को एस्टिमेट करने की कोशिश देखिए. ओह, गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है फिलहाल. क्या ही स्प्रे गया था यहाँ पर टाइगर का, मानना पड़ेगा. सुल्तान वाइटी और उनके जो बाकी दूसरे टीममेट है, दोनों काफी अंडरमाइंड यहाँ पे देखने मिलेंगे. एक अच्छा शॉट उन्होंने यहाँ पे दिया था टाइगर ने, जो शॉट से यहाँ पे गाड़ी फोड़ी, गाड़ी को डैमेज दिया वो इनफ था. बट यहाँ पे उसके बाद जो नॉकआउट देना चाह रहे थे वो कहने के नहीं निकल के आ पा रहा है. नॉकआउट शायद इनके फेवर में नहीं जा पा रहा है, विच इज अगेन समथिंग दे आर टू वेट अबाउट. चलो देखते हैं गाइस किस तरीके की सिचुएशन की बनती है. When the tiger is still waiting for the fire to still waiting for the carnage to come up. Really very sorry for the background guys. Eventually अगर मैं बात करूँ आपको next upcoming battles की, वो भी आपको देखने को मिलेंगे. So let's see how the fights are going to postulate at this angle. Look at that. Nade के Jamin copy down किया जाएगा. Team Nade इसको पिछले तीनों ही matches में काफी consistent रही है. पोजीशन गेन करा उन्होंने पिछले मैच में. स्पेस पियर की अगर बात करें जाए, काफी बुरी तरीके से बैकड्रॉप एरिया में फंस गए थे. 2CR वीक प्लेयर अभी भी स्काउट करते हुए दिखेंगे. लेट्स सी क्या ये पंच यहाँ पे कर पाएंगे, क्या ये ब्रेक कर पाएंगे सर्कल को या फिर नहीं. स्पेस पियर अभी वहां पर प्रेजेंटेड है, अपने डीपी अपने मिनी 14 के शॉट्स वहां पे कनेक्ट करने की कोशिश रहेगी. सामने ब्लाइंड नेम इनकी स्क्वाड, लेकिन ये देखिए 2CR भी प्लेयर की तरफ से नेट के विशु वाइट वहां पर डाउन किया जा रहा है. दिस इज द ओपनिंग विच दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर, एंड यहाँ पे मिनी 14 शॉट ज्यादा जरूर से नहीं है, लेकिन जहां कनेक्शन चाहिए वो कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है फिलहाल यहाँ पे. ये देखिए एक अच्छा कनेक्शन जरूर से रहेगा, लेकिन ये कनेक्टिविटी इनको डैमेज दी, लेकिन नॉकआउट नहीं कर पाया यहाँ पे. काफी अच्छा स्केप रहेगा यहाँ पे फिलहाल.
वो कॉस्मिक अर्जित अगेन यहाँ पे पिकअप होते हुए दिखेंगे। उनको पूरा पूरा फिनिश ऑफ यहाँ पे किया जा रहा है, उनके टीम के लिए दिक्कत बढ़ चुकी है। रेड हेड को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, रेड डेड भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। देखते देखते दोनों प्लेयर अगेन डाउन होते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं दे पाए, इस मैच में भी कुछ वैसा ही एनर्जी देखने को मिलेगा इन दोनों की तरफ से। बट अगर हम बात करें यहाँ पे टीम 20 की तरफ से, वेल वी हैव प्रोटेक्ट टॉक्सिक कमिंग अप, वी हैव निकी GTYT, और उसके अलावा अगर हम बात करें रैथ देखने को मिलेंगे। ताज को इनिशियली दिया गया था शॉटगन का फटका बाय द हैंड्स ऑफ टीम 23's गाय। सो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 1MK फ्यूरी लूसिफर वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट रहेंगे, एंड ब्लेज हैं, टाइगर हैं, डैनी DOP जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। पूरी कोशिश स्पॉट किया यहाँ पे, देखिए अगेन एक अच्छा स्प्रे, क्या बात है गाइस, खूबसूरती यहाँ पे देखिए स्प्रे की, काफी अच्छा कनेक्शन यहाँ पे जरूर से उन्होंने दिया। बट देवर अनेबल टू पिक एम डाउन, दैट वॉज समथिंग देवर ईगर ऑन वॉट वेटिंग एंड वॉचिंग। बट लेट्स सी व्हाट इवेंचुअली हैपेंस। 1MK अगर हम बात करें, देख सकते हो डैनी DOP काफी ज्यादा चैलेंज देखने को मिलेंगे यहाँ पे, काफी प्रेशराइज्ड देखने को मिलने वाले हैं। सामने से काफी अच्छा कॉम्बिनेशन जरूर से आ रहा है स्प्रेस का, बट या टीम नेडेक्स के पास काफी बढ़िया जोन में एक अच्छी प्लेसमेंट है, काफी अच्छा एक कंपाउंड अपने नाम करके बैठे यहाँ पे। दूसरे के वीक प्लेयर भी यहाँ पे जरूर से प्रेजेंट रहने वाले हैं, जो कि येट अगेन काफी क्लोज कॉल देते हैं दिखेंगे, काफी क्लोज भी यहाँ पे अपनी फाइट को इनिशिएट करते हुए दिखेंगे। बट द बैटल इज नॉट येट गोइंग इनटू द फेवर ऑफ टीम नेड, देखते हैं गाइस क्या ये किल्स, क्या ये फिनिशेस, क्या ये फ्राइज इनके खाते में जा पाएंगी। ओके वीक प्लेयर यहाँ पे TPP लेने की कोशिश, जब यहाँ पे वीक प्लेयर ने एक्चुअली TPP लेने की कोशिश करी, सो वो पिक ऑफ यहाँ पे होते हुए दिखेंगे। फिलहाल येट अगेन इनके लिए डेस्टिनेशन जरूर से यहाँ पे देखने को मिलेगा, येट अगेन इनके लिए ट्रबल यहाँ पे जरूर देखने को मिलने वाले। डैनी DOP है, टाइगर है, ब्लेज यहाँ पे है, लूसिफर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो देखते हैं गाइस जब यहाँ पे किस तरीके से गेम को स्टैब्लिश किया जाता है, किस तरीके से पूरी फाइट्स को यहाँ पे निकाला जाता है, एंड कितने फ्राइज अपने फेवर में यहाँ पे ले पाएंगे, दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग। जोन काटेगा 100 CC यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए OT प्रेजेंट देखने मिलेंगे, रिवर्स एक्स आ चुके हैं फिलहाल। अब वही अगर टीम RIP मेजो की बात करें, जो अभी 0 points है टीम के पास, काफी अच्छा एक चैलेंज था सामने से, बट उतने पॉइंट्स जो गेन करने चाहिए थे शायद ये टीम पॉइंट्स अभी गेन नहीं कर पा रही है। बट मात्र 17 सेकंड के अंदर नेक्स्ट अपकमिंग कैजुअलिटीज यहाँ पे जरूर देखने को मिलेंगे, स्पॉट करने का चैलेंज, एंड यहाँ पे अगेन ट्रबलिंग सिचुएशन जरूर देखने को मिलने वाली है। बट फिलहाल अगर हम बात करें टीम नंबर 18 की, वेल उनकी तरफ से भी चैलेंज रहेगा, ब्लीड के मैग्मा आ चुके हैं, वुल्वरीन रहेंगे यहाँ पे, एंड फोर का ट्राई के लिए भी चलाने के चैलेंज जरूर से बढ़ते हुए दिखेंगे। येट अगेन इट्स गोना बी वेरी अमेजिंग टू वॉच, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें फिनिशेस की, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। फॉल का ट्राई का पोर्शन जाता हुआ दिखेगा, टीम सेल्स बिलियन के ऊपर अटैक देने की कोशिश, पिछले दो मैचेस से ये टीम काफी कंसिस्टेंट रही है, इस मैच में भी टीम सेल्स बिलियन को पिक ऑफ करना काफी मुश्किल रहेगा इनके लिए। बट येट सी क्या ये अपने लिए अपने पिकअप्स निकाल पाएंगे, क्या अपने पॉइंट निकाल पाएंगे। BI आर्थर की बात करें, जान की टीम लगातार यहाँ पे चैलेंज देते हुए दिखेगी, देखिए BM की तरफ से एक और नॉकआउट, लगातार ब्रूटल डैमेजेस टीम ब्लीड के लिए ट्रबल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। वुल्वरीन गोज डाउन, B हैज बीन पिक्ड ऑफ, ऑल का ट्राई ट्राइंग टू रिटेलिएट, इज इट पॉसिबल फॉर हिम, वेल दैट्स गोना बी द मेजर कंसर्न। लास्ट में साइनिंग फॉर द टीम, रिटेलिएट किया, लॉकर को देंगे काफी शानदार नॉकआउट, हील करने की कोशिश, सामने से जंप शॉट, एंड या जस्ट लाइक दैट टीम फॉरएवर रश गॉड आते हुए दिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे टीम सेल्स बिलियन जो यहाँ पे फिलहाल वंस अगेन रॉक करते हुए दिखेगी, बट येट Billion has been picked off. Again a casualty. पिछला मैच भी रैंगल का वो ज्यादा नहीं खेल पाए थे, उनको यहाँ पे पिक ऑफ कर दिया गया था। इस मैच में भी सेम सिचुएशन अगेन यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, इस मैच में भी सेम दिक्कतें अगेन यहाँ पे बनती हुई दिखेगी फिलहाल। सो एज वेल कैन सी फिफ्थ जोन अभी यहाँ पे काफी अच्छा टॉर्मेंट करते हुए दिखेगी, जोन के अंदर एक और क्लैश यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखेगा। RIP की बात करें, RIP मीजो के निर्माता है, रिवर्स एक्स रहेंगे, अगेन रिटेलिएट किया, बढ़िया स्पेस यहाँ पे देते हुए दिखेंगे, लेकिन रिवर्स एक्स इतना डैमेज होने के बावजूद इस समय श्रीमान लेजेंड की स्क्वाड को काफी अच्छे तरीके से हैंडल आउट करके जा रहे हैं। फ्यूरी लूसिफर का डायरेक्टली यहाँ पर जो इनका ध्यान है वो अब जोन के अंदर जाता हुआ दिखेगा। टाइगर बीस्ट, इज देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद, कुछ स्टटर वगैरह कुछ हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है भाई, बट बता दो इफ देयर इज एनीथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी। Fury Lucifer going deeper and deeper in the zone. Wrath Hellboy still trying to heal up, still trying to help it his gameplay. वही अगर हम बात करें वन एंड Fury Lucifer, वो भी पिकअप हो चुके हैं टीम नेड की तरफ से। देखिए कितनी दूर से यहाँ पे कहने के विशाल वाइटी अपना एक बढ़िया कार्नेज आप एक्सपेक्ट करते हुए देखेंगे। 2CR की बात करें जाए, वीक प्लेयर प्रेशराइज करने की कोशिश, विशाल वाइटी विल स्पॉट हिम आउट, एंड या देयर वी गो, विशाल वाइटी मैनेजेस टू पुट हिम डाउन जस्ट लाइक दैट, इनको भी डाउन किया जाएगा। टीम नेड यहाँ पे काफी अच्छा प्रेशर बना के जा रही है फिलहाल, बहुत ही बढ़िया कार्नेज इनका पे रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें टीम NXG की, पिछले दो मैचेस में इनका पहला मैच काफी सुंदर था, पहले मैच में 29 पॉइंट्स लेके गई, लेकिन नेक्स्ट मैच में मिरामार के मैप में सिर्फ 4 पॉइंट्स लेके गई, और इस मैप में भी कहने के अभी तक सिर्फ इनके पास 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, एक प्लेयर का लॉस हो चुका है, दैट्स गोना बी नोवा जॉर्ड, एक बड़ा लॉस इस टीम के लिए। टीम फॉरएवर के वहां पे एक और प्लेयर पिक ऑफ होते हुए दिखेंगे, दैट्स गोना बी रश गॉड, टीम TF रश गॉड यहां पे पिक ऑफ हो चुके हैं। सेंस अभी ओपी अपडेट प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, लॉकर अभी भी देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू देम, लेट्स सी हाउ द कैजुअलिटीज आर गोइंग टू राइज। फाइन, ऑफ कोर्स फाइन रहेगा यार, आई डोंट थिंक कोई इश्यूज यहाँ पे होने वाले हैं। अगर है कुछ तो आप लोग प्लीज एक बार इनको बंद करके रिफ्रेश कर लो, मेरे वैकेंट से तो भाई सब कुछ सही चल रहा है। मैं भी अपनी दूसरे फोन में देख रहा हूँ अभी कनेक्टिविटी पे,
एवरीथिंग इज लुकिंग सो सॉर्टेड फॉर मी। तो अगर कुछ भी इशू है बता देना भाई। नहीं नहीं जिंदा है बढ़िया जिंदा एट दिस पॉइंट सेल्स अभी ओपी अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे काफी अच्छा वेल प्लेस गेम प्ले अच्छा काफी यहाँ पे अब रहने आगे वाला जा है। आगे जा बट इवेंचुअली कितने पॉइंट्स अपने फेवर में ले पाएंगे दैट्स अ मेजर कंसर्न। टीम बीआईआर द लुक एट दैट 9 फ्रैग्स फॉर देम राइट नाउ। अभी अनदर कार्नेज इज गोना राइज फ्रॉम द लोकेशन एंड देखो 10th फ्रैग भी इनके फेवर में आ चुका है। टीम ब्लाइंड ने इनके स्क्वाड को लिटरली यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ब्लाइंड करते हुए दिखेंगे बिकॉज द काइंड ऑफ कार्नेज दिस टीम इज ट्राइंग टू पुट इज गोना बी अमेजिंग। बीआई के एस ओपी अभी भी काफी अच्छा है यहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखेंगे गेट अगेन द फाइनल जोन पॉइंट। बात करते हैं यहाँ पे केरला की जो हमारे टीम ब्लाइंड लेवल की स्क्वाड रहेगी एकेएम ट्राइंग टू बी इन द जोन बट इज इट पॉसिबल फॉर हिम और नॉट दैट्स गोना बी द मेजर कंसर्न। लुक एट दैट जोन के अंदर पहुंचने की कोशिश छठी जोन आने वाली है बहुत ही जल्द 50 सेकंड से भी कम के अंदर हमारी जो छठी जोन है वो श्रिंक होती हुई दिखेगी। तो देखते हैं ये जोन नई कैजुअलिटीज को किस तरीके से रॉक आउट कर पाएगी दैट्स गोना बी द मेजर कंसर्न। लुक एट दैट सिक्स जोन इज गोना बी हियर एनी टाइम सून देखते हैं गाइस क्या होता है। ओके नेट जाता हुआ दिखेगा ए इसके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेगी नेट का कनेक्शन करने के डिफिकल्टीज जरूर से ला सकता था लेकिन थोड़ा अंडर कुक नेट था दैट इज व्हाई एस को मौका मिल गया फॉल बैक करने का एंड दैट इज व्हाई ही स्टिल अलाइव इन द फाइट दैट्स गुड। एकेएम गोइंग फॉर द हील गोइंग फॉर द बूस्टर्स एट दिस पॉइंट बिकॉज जानते हो आप यहाँ पे कहने का 110 मीटर बड़ा डिस्टेंस है यहाँ पे वो भी जब छठी जोन की बात कर रहे हैं वो भी जब आपके पास 8 टीम्स और 21 प्लेयर बचे हुए जिसमें से 60 टीम्स आपके ऊपर नजर कराए जरूर से बैठी रहेंगी तो पिक यू अप एक बड़ा डिस्टेंस जरूर देखने को मिलेगा। टीम बोब जॉब की तरफ से एक और बंदा यहाँ पे डाउन होता हुआ दिख रहा है दैट्स गुड। टीम नीट के लिए ट्रबल बढ़ चुका है नीट का पिक ऑफ होना इस समय लास्ट में देखने को मिलेगा बट लेट्स सी व्हाट केरला छोटू डज एट दिस पॉइंट। आई गेस ही इज प्रीटी मच एफके कुछ थोड़ा बहुत एफके देखने को मिल रही है इनका पिंग इशू कुछ यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है मुझे। ऑल राइट टू लुक एट दैट टीम एनएक्सजी की तरफ से लगातार नेट्स पे नेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं पूरा थ्रोबल्स का यहाँ पे यूज कर रही है टीम चार फ्रैग्स हैं इनके पास और अभी भी यहाँ पे कहने के 5 पॉइंट्स इनको मिलेंगे। फिलहाल एक और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश ओ स्मूथ वन आई गेस दो प्लेयर्स यहाँ पे डाउन होते हुए दिखेंगे। फिजिक गोना बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ हिज टीम काफी दूर है आई डोंट नो वेयर इट इज ये क्या हो रहा है भाई फिजिक को हर तरफ से बी आई आर्थर भी टारगेट होते हुए दिखेंगे। फिलहाल बी एम यहाँ पे नॉक हो चुके हैं इनकी टीम पूरी डेसिमेट होते हुए दिखेंगे जस्ट लाइक दैट टीम बी आई आर्थर की जो स्क्वाड है मात्र 10 फिनिश के साथ फिनिश ऑफ होते हुए दिखेंगे। नेड एक्स की बात करी जाए 11 पॉइंट इस टीम के पास फ्रैग्स के हैं टॉप 3 के अंदर आ चुके हैं इस समय अगर मारे भी जाते हैं तो फिलहाल इनके पास एक अच्छा खासा 21 पॉइंट्स का बफर रहेगा। वही अगर बात करें फिलहाल इस टीम की यानी कि हमारी टीम आरसी गेमिंग स्क्वाड में यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश स्कूल गेमर्स के डीकेटी फ्रैगर है यहाँ पे ये भी आ चुके हैं एक अच्छा पोजीशन पॉइंट लेने। यहाँ पे देखिए आरसी गेमिंग के ट्रबल यहाँ पे रहने वाला है टीआई की थी फ्रैगर ने यहाँ पे स्पॉट जरूर से किया था टीम कूल गेमर्स की स्क्वाड ने बट दिक्कत नहीं थी ज्यादा यहाँ पे। नीट की बात करी जाए जेमिन इज गोइंग फॉर द ट्रबल विशाल वाइटी जरूर प्रेजेंट है देखते हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू देम। Alright, Spear going for the three finishes. That's gonna be amazing. Doom CJ भी यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। Yet again spot किया nades पे nades and smokes पे smokes. Area blind out करने की पूरी कोशिश यहाँ पे रहेगी। Yet again that's not gonna be the possible case for the team to push in. इस समय जिस तरह का rotation और जिस तरह का यहाँ पे कहने के hold team सीमा legend ने देके रखा हुआ है समय फिलहाल। Okay, sorry, my bad. That's gonna be team RC Gaming. उनके पास जहाँ पे hold है वो काबिले तारीफ रहेगा। And pretty much कोई भी team इस समय zone के अंदर आने की कोशिश नहीं कर सकती। ये देखिए नेट की टीम यहाँ पे कोशिश जरूर से करी लेकिन मुंह की खानी पड़ी कहीं ना कहीं उन्हें। एक प्लेयर डाउन हो चुका है फिलहाल एंड यहाँ पे डूम सीजे को स्पॉट करेंगे। वंस अगेन द रिटेलिएशन इज गोना बी देयर बट देयर इज नो केस ऑफ द रिटेलिएशन। आरसी गेमिंग लगातार यहाँ पे डेसिमेट करते हुए दिखेंगे फाइट्स को। नाउ कूल गेमर का एक आखिरी बंदा यानी कि फ्रैगर बचा जरूर से है बैक एंड से जोन के अंदर घुसेंगे एंड बहुत ही बुरा बैक स्टेप करते हुए दिखेंगे टीम को। वेल दैट इज समथिंग दे हैव टू बी अवेयर अबाउट। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी जर्नी सो देखते हैं गाइस क्या होता है फिलहाल एंड देखते हैं किस तरीके से इनका पूरा सिचुएशन आप रह पाता है। विल दैट्स गोना बी द मेजर वन। लुक एट दैट फ्रैगर कम्स अप विद अ ब्रूटल गो ट्राइंग टू स्काउट मोर एंड मोर पर्सपेक्टिव ट्राइंग टू स्काउट मोर एंड मोर एलिमिनेशंस एट दिस पॉइंट। तीन टीम्स अभी भी बची हैं। नेट के एक प्लेयर आप आउट ऑफ जोन यानी कि विशाल बैठी तीन फर्स्ट एड के साथ आउट ऑफ जोन ही बैटल कर रहे हैं। फ्रैगर की बात करी जाए वो भी पिकअप हो चुके हैं। चलिए #2 पे हमारी टीम आ चुकी है। 23 पॉइंट उनको कहने के मिलते हुए जरूर से दिखेंगे लेकिन आरसी गेमिंग पहला मैच काफी पुअर सेकंड मैच में भी एवरेज परफॉर्मेंस लेकिन तीसरा मैच लेके जाएंगे यहाँ पे विनर बना चुका है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कल भी आपको ये सेम लॉबी देखने को मिलेगी। रेडी रहिएगा इस चीज के लिए बिकॉज विद दिस अवर आज का जर्नी होता हुआ दिखेगा खत्म। कल की जर्नी में देखते हैं क्या होता है। And thankfully the match is over. Look at that guys, the whole match is over right now. Team RC Gaming has got that winner winner chicken dinner with some good amazing 11 finishes. Total agar kare to 26 points inke paas aa chuke hain. Second team ki aap baat kiye runner up ki team rahegi unke paas 23 points yahan pe rehne wale hain as we keep up the fights. And we gonna baat kare cool gamers ki squad ki unke paas total yahan pe rehne wale hain kuch good number of cards. That's gonna be 17 points for them. With this the whole battle is over, the whole carnage is over.
आज का दिन इसी के साथ होगा गाइस, एंड मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से सेम टाइम पे देखता हूँ आपको 7 बजे जरूर से, तो जरूर से ट्यून अप करिए कॉस्मिक स्पोर्ट्स के चैनल को। टिल देन गाइस प्लीज ओपन टू जॉइन का 65 लाइक्स हम लोग यहाँ पे काफी क्लोज है, जल्दी जल्दी कर दो 65 लाइक। और वहीं अगर बात करें स्टार्ट द मैच की, दैट्स व्हाई ब्लाइंड एवेंस छोटू जिनके पास आ चुके हैं 5 रन, दैट्स गुड, 60 पॉइंट्स, क्या बात है। अगर हम बात करें पी आई के रॉक की, पी आई आर टीम से बनेंगे बेस्ट कंपेनियन, फाइनल फिनिशर यानी कि फाइनल नेल इनटू द कॉफिन वाज दिस वन व्हिच इज नोन एज आई गेस हिक्स अंडरडॉग। इसी के साथ होगा हमारा पूरा पूरा जर्नी, एंड विद दैट द फाइट इज ओवर, विल सी यू प्रीटी सून, टिल दैट पीस आउट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, लव यू ऑल गाइस, माय नेम इज जेडर, आई विल बी बैक वेरी वेरी सून इवेंचुअली इन द टुमारोस डे। Say why you're a stranger now, your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone.
They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. Oh,
like you.